रजिस्टर ले आओ। बोले क्यों? बोले इसका नाम को यहाँ पर लिख दो।
बोले कारण ही वो मेरे भगवान का नाम जप कर रहे हैं, जब शरीर ही छूटेगा वो सीधा मेरे पास में आएगा। बोले दूसरा काम किया, बोले जमपुर में जम महाराज अपना चित्रगुप्त को बोलते हैं, चित्रगुप्त कौन है, छुपा करके हमारे जो सारे फटो को ले रहा है, हम क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनसे कोई चीज भी छुपता नहीं। अगर कोई सोचे हम 10 ताला बिल्डिंग के ऊपर में चारी तरफ में दर्जा बंद में क्या कर रहा हूँ, कौन देख रहा है। बोले अगर कोई दिन में कोई काम करते हैं ये सूरज उसका साथी है, रात में कोई काम करते हैं ये 10 दिशाएं और ये रात चंद्रमा इसकी साखी। भगवान से चित्रगुप्त से कोई भी चीज को हम छुपा करके नहीं कर सकते हैं। जब रिकॉर्ड निकलेगा ना पता चलेगा हमने क्या क्या कर्म किया है। लेकिन भगवान का नाम की इतने महिमा है, चित्रगुप्त को जब महाराज कहते हैं इसका नाम को यहाँ से काट दो। बोले किस लिए, बोले भगवान का नाम जब कर रहा है ना अभी वो कभी नरक नहीं आएगा। बोले तीसरा काम किया, बोले ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी आरती की थाला सजाना शुरू कर देते हैं। बोले क्यों, बोले भगवान का नाम ले रहा है ना, उसने ये भूर भुव मोह जन तप ये सत्य लोक धाम में जाएगा उसको मैं रास्ता में आरती उतारूंगा। मतलब इतना महिमा भगवत नाम को जो जप करते हैं, इसलिए श्री भगवान कपिल देव भी अपना माँ को कहते हैं, बोले अहो गत सपोच अतो, भगवान कपिल देव कहते अहो, अहो मतलब वो कितने भाग्यवान व्यक्ति जो भगवान की जीवा ग्रे, जिनके जीवा के अग्र देश में जो भगवान के नाम जप करते हैं। बोले क्या समझो, बोले सपोच, सपोच मतलब जो चंडाल, जो कुत्ते का मांस खाने वाले क्यों नहीं हो, जो व्यक्ति भगवान का नाम जप करते हैं समझो वो पूर्व सार कुछ निकलेगा तो वो भगवान की नाम ही सार निकलेगा। इसलिए हम सभी को भगवान की नाम जप करनी चाहिए। इसलिए महाप्रभु कहते हैं कि शयन की भोजन कि वा जागरणे अहर निश्चिंत कृष्ण बोला बदने, सोते उठते जगते चलते फिरते हर समय। एक बार हाथ उठा करके बोलिए, बोले हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे। एक बार जोर करके बोला, बोले हरे पर कहते बोले बदन्ति तत्त्व विदस्तत्व जच ज्ञानं मन्यति परमात्मति भगवानति शब्दति। बोले वो एक ही ब्रह्म है लेकिन उनके तीन तरह के भक्त है, एक ज्ञानी एक योगी और एक उनका भक्त है। बोले ये ज्ञानी को पास में वही ब्रह्म जिनको निराकार निर्विशेष ब्रह्म ज्योति स्वरूप में वो दर्शन करते हैं, जो योगी है हृदय में जो अंगुष्ठ मात्र जो परिमाण में जो परमात्मा को वो ध्यान करते हैं। लेकिन जो भक्त हैं जैसे भगवान श्री ठाकुर जी है राम स्वरूप में कृष्ण स्वरूप में ये नारायण स्वरूप में दर्शन करते हैं। तो यहाँ प्रश्न करते हैं क्या सबके सब बराबर ना, ये कोई एक ही है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु श्री सनातन गोस्वामी को बहुत एक सुंदर उदाहरण देकर समझाए। बोले एक समय कोई एक सर्वज्ञ, सर्वज्ञ मतलब है जो आपको देखे देख करके आपका सारे बात को बता दे, तुम्हारे घर किधर है कहाँ रहते हो, तुम्हारे पति कैसे पत्नी कैसे, तुम्हारे घर में कहाँ पर माल और कितना माल रखा हुआ, ये सारे चीज को आपको देख करके बता दे। बोले एक कोई दुखी व्यक्ति दर दर भटक रहा था, वो सर्वज्ञ उसको देख करके बुलाया, बोले भैया तू ये दर दर क्यों भटक रहे हो, दुखी क्यों। बोले हम तो बड़े दुखी घर में खाने के लिए नहीं। बोले देख बेटा
तेरे जो पिता है ना वो मेरे मित्र थे, मेरे घर के रहस्य बात बोल कर गए हैं। तुम्हारे जो घर है, घर में चार दिशाएं, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण, लेकिन जो माल है ना वो दक्षिण पूर्व दिशा में रखा हुआ है। लेकिन सावधान बेटा, दक्षिणी दिशा का मिट्टी खोदना नहीं, उधर ततैया रहते हैं, उधर खोदोगे तो वो ततैया निकलेंगे तो तुरंत काट कर खा जाएंगे। तुम पश्चिम दिशा का भी मिट्टी नहीं खोदना, उधर एक अजगर सर पर रखा है, अगर वो निकलेगा तो पूरा का पूरा तुमको ये निगल जाएगा। लेकिन उत्तर दिशा का मिट्टी नहीं खोदना, वहां पर एक यक्ष भूत रहता है, प्रेत रहता है, अगर वो निकलेगा तो जान से तो मार डालेगा। लेकिन जो माल रखा हुआ ये पूर्व दिशा में, ज्यादा खोदने की जरूरत नहीं, थोड़ी सी मीटर मिट्टी उठाओगे ना बस वो रत्न की झाड़ निकलेगी, फिर तो माला माल हो जाओगे। उसने बोले, मेरे पिताजी इतने संपत्ति रख कर गए, हमें पता ही नहीं था। वो जाकर के जब सचमुच से उन्होंने पूर्व दिशा की मिट्टी खोदे, माला ही माल, हीरे जवाहरात असर बिना माला ही माल निकला, वह पूरा धनी के धनी हो गया, सेठ साहूकार बन गया। तब यहाँ पर सिख्या देते, भैया ये क्या चीज है, कदि ये पश्चिम दिशा क्या है, बोले इधर रहता है अजगर सर पर, मतलब तो मुक्ति मार्ग में मत जाओ। जो कहते हैं ना हम मुक्ति पाना चाहते हैं, वो ब्रह्म ज्योति में ही अपना सत्ता को लीन कर देना चाहते, बोले भैया उधर फंसना नहीं, वो मुक्ति व्याघ्रा आत्म सर्वात्म गिलिनी, ये मुक्ति क्या करती है, ये जीव को निगल जाती है, हैं? इसलिए अगर जीवात्मा परमात्मा को ब्रह्म ज्योति में अगर लीन हो गया, उदाहरण देते हैं जैसे कि चींटी, जैसे गुड़ खाने के लिए गया, ये गुड़ का रस कब आस्वादन करेगा, मानो गुड़ पतला गुड़ है, जब उससे अलग रहेगा तभी तो उसका आस्वादन कर सकता है। लेकिन अगर वो गुड़ में जाकर के लपट गया, मिल गया, फिर वो गुड़ का आस्वादन कैसे करेगा। इसलिए जो व्यक्ति भगवान को निराकार निर्विशेष ब्रह्म ज्योति मानते हैं, जिनका रूप नहीं, वो चाहते हैं ये आत्मा को परमात्मा में ब्रह्म ज्योति में लीन कर दो। भैया अगर लीन हो गया तो गया, भगवान जो रस स्वरूप है, भगवान जो आनंद स्वरूप है, उस रस स्वरूप आनंद से तू तो वंचित हो गया। इसलिए कहते खबरदार, ज्ञान मार्ग में नहीं जानी चाहिए। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी कहते पूरा का पूरा तुमको वो निगल जाएगा। कहते भैया दक्षिण दिशा में मत जाना, उधर ततैया है, ततैया मतलब ये कर्म मार्ग, ये कर्म मार्ग में फंसना नहीं। कोई कहते ना भैया कर्म करो कर्म करो, पहले तो समझो कर्म अकर्म विकर्म क्या, पहले तो समझो। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं, यज्ञार्थात कर्मन अन्यत्र लोक अयम कर्म बंधन तदर्थ कर्म कम तय मुक्त संग समाचार। अगर भगवान को छोड़ कर कोई कर्म करोगे तो कर्म का फल क्या है, संसार बंधन, जन्म जन्मांतर भटकते रहो, 14 ब्रह्मांड और 84 लक्ष योनि में भ्रमण करते रहो, फिर तो जीवन में दुख कष्ट उठाओ। इसलिए कहती है ततैया है, जिसे ततैया काटते रहते हैं, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई बीवी से दुखी, कोई बहू से दुखी, कोई सास से ननद से दुखी, दुखी वो करोगे। भैया कर्म मार्ग में मत फंसना। कहते भैया कहते योग मार्ग है, बोले वो भी एक तरह का मुक्ति है। कहते ये योग मार्ग में भी मैं नहीं फंसना, जाना किधर, बोले पूर्व दिशा, बोले ये पूर्व दिशा ये भगवान की भक्ति की मार्ग है, भगवान की प्रेम की मार्ग है, भक्ति मार्ग। सुंदर इसलिए कहते हैं कहती है कौन सा, बोले पूर्व दिशा, बोले ये पूर्व दिशा क्या है, बोले भगवान की भक्ति मार्ग है, भगवान की प्रेम की मार्ग है ये पूर्व दिशा, बोले ज्यादा खोदने का जरूरत नहीं, मतलब भक्ति मार्ग में ज्यादा कोई परिश्रम है नहीं। इसलिए कहते भक्ति भी ऋजु मार्ग, भी भक्ति अत्यंत सरल मार्ग। इसलिए हमारे भक्ति विद्वान स्वामी महाराज एक सुंदर बात बोलते थे, बोले सब लोग पार्टी में जाना चाहते हैं, बोले क्यों, बोले पार्टी में तीन काम होता है, बोले ईटिंग डांसिंग और सिंगिंग, एक तो तीन काम होता है ना। अरे ईटिंग अगर बढ़िया बढ़िया खाना खाना चाहते हो, गोल गप्पे
टिकिया है, इसलिए रसमलाई रसगुल्ला खाना चाहे तो ठाकुर के लिए बनाओ ना, बढ़िया बढ़िया प्रसाद बनाओ, ठाकुर को भोग लगाओ और बढ़िया बढ़िया चकाचक भजन करो। ठीक, बोले डांसिंग नाचना चाहते हो ना, यहाँ पर हम रोज ही नाच रहे हैं, नाचना हो तो भगवान का कीर्तन में नाचो, गाना है गाना तो इधर उधर का गाना क्यों गाओगे, ठाकुर का भजन गाओ ना। हमारे प्रभु जी डोरीलाल प्रभु जी बसंत लाल प्रभु जी बड़े सुंदर सुंदर क्या क्या सुंदर सुंदर भजन गाते हैं, गाना तो ठाकुर का भजन गाओ। कहते जो भक्ति मार्ग है, जैसे अभी जैसे कथा सुन रहे हो, नाचते हैं कीर्तन करते हैं, उसमें कोई कष्ट किया है आपको, कोई कष्ट लगता है ना, आनंद लगता है, आनंद ही है ना। इसलिए कहते जो भक्ति मार्ग है, ये भक्ति मार्ग प्रेम मार्ग आनंद का मार्ग है, ज्यादा कोई परिश्रम की जरूरत नहीं, भगवान की भक्ति करो, प्रसाद भाव नाचो गाओ, भक्त संगे कर संकीर्तन। इसलिए कहते ये पूर्व दिशा में ही हमें जानी चाहिए, मतलब भक्ति मार्ग में हमें जानी चाहिए। इसलिए श्री सूरदास जी एक बड़ा सुंदर भजन गाए, बोले सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे जैसे वशीभूत होता हूँ, कर्म ज्ञान योग को द्वारा मैं ऐसे वशीभूत नहीं होता हूँ। इसलिए बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की, ऐसे जो भगवान है, बोले जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानम धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यम। इसलिए श्रीमद् भागवत में भगवान की 26 अवतार की वर्णना की है। भगवान का पहला अवतार कहते 6 तरह का अवतार भगवान की, मन्वंतर अवतार, सत्यावेश अवतार, गुणा अवतार, आवेश अवतार, ऐसे भगवान की 6 तरह का अवतार है। इसलिए कहते सर्वप्रथम अवतार भगवान कहते श्री ब्रह्मा की मानस पुत्र रूप में जन्म हुए, सनक सनातन सनातन और सनत कुमार, ये जो 4 मानस पुत्र हुए, जब ब्रह्मा जी इनको सर्वप्रथम सृष्टि की, बोले देखो भगवान की इच्छा है ये संसार का सृष्टि का क्रम बढ़ा, लेकिन ये 4 ने मना कर दिया, बोले पिताजी ये माया की संसार में हमें मत फंसाए करते, हम तो चाहते हैं भगवान की भक्ति करें,
अब वो आनंद में नहीं। बोले क्या? भगवान का निर्देश है संसार का क्रम बढ़ाए और सृष्टि का पहला तुम हो और पहले ही तुम इनकार कर रहे हो। इतने में ब्रह्मा जी को तो बड़ा क्रोध आया। क्रोध आया तो उनको भ्रूर से कौन प्रकट हुए? बोले से रुद्र प्रकट हुए। देखो यहाँ पर एक बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे, ये सृष्टि का पहला व्यक्ति है लेकिन इन्होंने संसार करने के लिए मना कर दिया है। बोले कारण क्या है? बोले प्रवृत्त रेशा भूतानाम निवृत्त हेस्तु महाफला। यहाँ शिक्षा देते हैं ये जो भगवत ये जो मानव शरीर हमें मिला है, ये जीवन हमें भगवान दिया तो किस लिए दिया है? बोले भगवान की भजन करने के लिए ठाकुर जी दिया है। जगत में बाबा किधर बढ़ जाओ, इसलिए जगत में जितने कर्तव्य है, कहते जीव का जो सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है भगवान की भक्ति करना। अगर प्रभु की अगर किसने प्रभु की भक्ति कर लिया तो समझो जीवन का सारे कर्तव्य तुम्हारी पूरी हो गई। बताओ हमारे छह गोस्वामी ने कौन सा कर्तव्य किया? हनुमान जी कौन सा कर्तव्य किया? भजन तो किया। तुलसीदास जी कौन सा कर्तव्य किया? प्रभु का भजन तो किया, भगवान की भक्ति तो किया है। इसलिए ये सृष्टि का पहले है वो शिक्षा देते हैं भैया जीवन में भक्ति करनी चाहिए। ये जो चार जो आश्रम है ब्रह्मचर्य उसके बाद में गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यासी, ये चार ही आश्रम है। देखना चार ही आश्रम में केवल प्रभु की भजन ही सीखा है। सर्वप्रथम जाते थे गुरुकुल में जाकर के क्या करते थे? गुरु जी के चरण में रह करके सारे वेद पुराण इतिहास को अध्ययन करते थे, तभी भी भजन करते थे। लेकिन जब उनकी गुरुकुल समाप्त तो हो जाता था बोलते बेटा बताओ अभी तुम क्या करोगे, क्या तुम्हारी इच्छा है? जिसने शास्त्र ग्रंथ को पढ़ करके उनको ये ज्ञान होता था ये जीवन भगवान भक्ति के लिए भजन के लिए दिए, वो आश्रम में ही रुक जाते थे, नहीं जाते थे आश्रम से। बोले गुरुजी ये जीवन पा करके प्रभु की भक्ति करते हुए संसार से उद्धार होना चाहते हैं लेकिन जो अपना इंद्रिय को कंट्रोल नहीं कर पाते थे, बोले बेटा जाओ अपना घर में जाओ वरना आश्रम में तो अनुरूप शादी करो, लव मैरिज नहीं करो। इसलिए पिता माता जहाँ तुमको शादी करा देते हैं वहीं पर ही शादी करो। शादी करके कब तक रहना? बोले 50 साल तक, उससे ज्यादा नहीं। इसलिए उसको बाद में आता है एका बन, बोले बन में जाओ, बन में नहीं बा बन, बन में जाओ चौ बन, ये बन जाने के लिए कहते हैं। और लास्ट में तो वानप्रस्थ और लास्ट में सन्यासी है। सन्यास में तो संपूर्ण रूप में काय मन वाक्यों को दंडित करके भगवान की भजन में ही लगा। ये जितने चार आश्रम ठाकुर जी बनाए केवल प्रभु की भक्ति को ही लक्ष्य करता है। इसलिए ये चतुर्सन सृष्टि का पहला व्यक्ति जिसने बोले हम तो प्रभु की भजन करना चाहते हैं। और जो दूसरा जो अवतार है श्री ब्रह्मदेव अवतीर्ण भी। इसलिए कहते भैया शाम का समय में हमें चार ही काम नहीं करनी चाहिए। कितना काम नहीं करनी चाहिए बोलो? बोले क्या नहीं करनी चाहिए? चार काम। ये कैसे? ये हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु कैसे जन्म हुए? ब्रह्मदेव आविर्भूत का कारण क्या है? बोले एक समय ये दीति ने बड़ी सुंदर शरीर को श्रृंगार की, शीशा को सामने खड़ी होकर की अपना रूप को देख करके अपना कामना को संभाल नहीं सकी और श्री कश्यप ऋषि को पास में ठीक शाम का समय में जा करके उनकी संग की प्रार्थना की। कश्यप जी ने कहा देखो अदिति ये समय अच्छा नहीं, शंकर जी अपना भूत पिशाच को लेकर के भ्रमण करते हैं, अगर इसे समय में मिलोगे अच्छा नहीं होगा। लेकिन वो काम में इतनी आतुर हो गई थी वो जोर जबरदस्ती पति से मिले। पति ने कहा तुमने अच्छी काम नहीं, तेरे पेट में 2 राक्षस जन्म लेने वाले, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु जन्म लेने वाले, क्योंकि तुम जिस समय मिले हो उसी समय शंकर जी भूत पिशाच को लेकर भ्रमण करते हैं, इसलिए उनकी प्रभाव पड़ेगा। इतने में दुखी हो गई, बोले मैं काम में आतुर हो गई कि माफ कर दो। बोले ठीक है तुमने माफी मांगे हो, बेटा तो होंगे राक्षस लेकिन तुम्हारा जो पोता होगा ना भगवान की परम भक्त श्री प्रह्लाद रूप में जन्म ग्रहण करेंगे। बोले श्री प्रह्लाद महाराज की। इसलिए कहते हैं आप कभी कभी देखना कभी कभी ऐसे बच्चे होते हैं बड़े आज्ञाकारी,
लेकिन कभी कभी ऐसे बच्चे होते हैं, कभी कभी हम बोलते हैं लगता है ये पूर्व जन्म का शत्रु ही मेरा बेटा बन कर आ गया। कभी बोलते हैं ना, इतने दुखी दुखी कभी कभी बेटे से हम कभी इतने दुखी बन जाते हैं। इसलिए इस सब के सब गर्भ संस्कार, गर्भाधान संस्कार का ये सब के सब इधर आ जाए, अंदर में आ जाए। गर्भाधान संस्कार की ये सब के सब ये कारण हैं। कहते पहला काम, बोले दूसरा काम क्या है, बोले शाम का समय में भोजन नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति भोजन करेगा उस समय में उसकी पेट का रोग कभी सही नहीं होगा, जिंदगी भर उसको उधर का पेट का रोग रहेगा। तीसरा काम, अध्ययन नहीं करनी चाहिए। जो उसी समय में अध्ययन करेगा और जो कुछ पढ़ेगा उसको भूल जाएगा। कोई कोई कहते ना, बच्चा तो घर में बढ़िया पढ़ाई करता है लेकिन पता नहीं स्कूल में जब पेपर आता है सबके सब भूल जाता है। इसलिए उसी समय पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। लेकिन क्या शास्त्र नहीं पढ़नी चाहिए? शास्त्र पढ़नी चाहिए लेकिन बेई से पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। और जो चौथा काम है, उसी समय में कभी सोनी नहीं चाहिए। जो व्यक्ति उसी समय शाम का समय में सोएगा उसको घर में लक्ष्मी कभी नहीं आएगी, वो जिंदगी भर वो दरिद्र बनकर रहेगा। इसलिए यहाँ पर हिरण्याक और हिरण्यकश्यप हुए और इनको उद्धार करने के लिए भगवान ने श्री वराह अवतार में आकर के उन्होंने हिरण्याक्ष को उन्होंने वध किया है। बोले हिरण्याक्ष का मतलब क्या होता है? बोले हिरण्य मतलब होता है सुवर्ण, अक्ष मतलब होता है आंखें, जिनकी आंखों में सोना ही सोना बैठा। सोना बैठा मतलब क्या? ये सोने में परिकृत महाराज सारी कली को उन्होंने सोने में स्थान दिया। जितने देखना अधर्म काम, ये सारे धन जहाँ पर है ना वो वहीं पर, सबके सारे अधर्म काम सारे गंदे काम वहीं पर होता है। इसलिए कहते भगवान ने क्या किया, वराह अवतार में उन्होंने उनको वध किया है। बोले श्री भगवान श्री वराह देव की, भगवान की जो चौथा अवतार है श्री नारद जी के रूप में भगवान आए, भक्तार भक्त अवतार रूप में आए। नारद जी एक सुंदर ग्रंथ लिखे हैं जिसका नाम है भक्ति सूत्र, नारद भक्ति सूत्र ग्रंथ को लिखे, अद्भुत ग्रंथ है। भक्ति की उन्होंने इतने महिमा को गाए, बोले भक्ति रे वैव नयति, अगर हमें कोई भगवान तक ले जा सकता कौन ले सकता है, भक्ति ले जा सकता है। भक्ति रे वैव दर्शयति, अगर कोई कृष्ण को दर्शन करा सकता है कौन दर्शन करा सकता है, भक्ति दर्शन करा सकती है। भक्ति को उन्होंने बड़ी उन्होंने महिमा गाई। और श्री नारद जी अगर इनकी अगर किसकी थोड़ी सी संग हो गया ना बस कल्याण, इनकी कल्याण हो जाएगा। जिनकी इनको संग जिसको मिल गया, जैसे ध्रुव और प्रहलाद इनके दो बालक चले हुए हैं, बस इनके दो ऐसे चले हुए, कहते हैं ना जनमा जनमा मोनी जाता ना कराए, जनमा जनमा मोनी जाता ना कराए, जनमा जनमा मोनी जाता ना कराए, जनमा जनमा मोनी कभी जन्म जन्मांतर तक जतन करने पर भी अंतिम समय में भगवत स्मरण आना कठिन, लेकिन जिसको पर नारद जी कृपा हो गई। देखो ध्रुव प्रहलाद, कल ध्रुव जी कथा सुन रहे थे, 6 महीना में उन्होंने नारद जी कृपा से 6 महीना में भगवत दर्शन हो गई। और प्रहलाद महाराज अब जानते हो 5 साल में क्या उन्होंने दृढ़ भक्ति की, दैत्य बालकों को उन्होंने ऐसे उपदेश दिए, सारे दैत्य बालकों को 5 साल उम्र में
सबके सब उन्होंने भक्त बना दिया उन्होंने। और इनकी कितने दृढ़ भक्ति थी प्रहलाद महाराज की। और इनकी दो वृद्ध जो चले हुए हैं, एक वाल्मीकि हुए हैं। ये वाल्मीकि पहले ये दशरथ ना करते, डाकू डालते थे। नारद जी का दर्शन हो गया, बोले बाबा निकालो क्या माल पाए। बोले भैया हम तो संत हैं, हमारे पास में तीन चीजें, लोटे छोटे और लंगोटे। बोले जो कुछ हो निकालो। फिर नारद जी बोले ये बताओ, तुम जो ये पाप कर्म करके पैसा उपार्जन करते हो उसका फोन लेगा। बोले मेरे बीवी, मेरे बच्चे, मेरे पिता माता। बोले देख ये दुनिया बड़े स्वार्थी है। बोले आप कैसे हो। बोले जब तक जेब में पैसा हो, पैसा गन और तुम को जाकर पूछ करेगा। बोलो मेरे को भेज करके भाग जाओगे। नारद जी को पीछे बांध करके हाथ, उसको शरीर को बांध करके पूछने के लिए गए। लेकिन जब उन्होंने पूछे पत्नी से, क्या जो पाप कर्म करके पैसा कमाता हूँ इसका भागीदार क्या तुम बने। बोले मैं क्यों बनूंगी, घर का काम मेरी और आप बाहर का काम आपका। बच्चों से पूछे, बोले अभी तो हम बच्चे हैं, आपका कर्तव्य हमें लालन पालन करना, बड़े होकर के कैसे पैसा कमाएंगे फिर हम बाद में सोचेंगे। जब उन्होंने पूछे फिर अपना पिता माता को, बोले तेरे को जन्म दिया, लिखा है, पढ़ाई कराया, किस लिए हमने किया है। भैया हमें पता नहीं तुम कैसे पैसा कमाते हो। बोले बाबा तो सही बता रहे थे। वापस आए, चरण में गिर पड़ी। बोले बताओ मेरी मुक्ति कैसे हुई, मैं बड़ी पाप कर्म किया है। तो बोले बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, जोर से राम। लेकिन उसका मुंह से भगवान के नाम नहीं निकला। क्यों, कारण है। बोले भगवान का नाम को कौन ले सकता है। बोले जनेई पूर्व सत जन्म वासुदेव समर्चनम तन्मुखे हरि नामानी सदा तिष्ठति भारत। बोले हे अर्जुन, वही व्यक्ति मेरे नाम को ले सकता है जो पूर्व पूर्व सौ जन्म तक जिसने बड़े निष्ठा पूर्वक जिसने ठाकुर जी की पूजा किया, तभी वही व्यक्ति इसी जीवन में मेरे नाम को ले सकता है। जिसलिए उनको मुंह से प्रभु का नाम ही नहीं निकला। जब उनको नाम नहीं निकली, बोलो सुंदर गोपाल कथा कथा सुना। इसलिए बोले, लेकिन नाम नहीं निकला। बोले तो बोलता था मारो मारो, मरा मरा तो कर सकते हो। बोला हाँ मरा मरा तो कर सकता हूँ। इसलिए कहते उल्टा नाम जपत जग जाना हर वाल्मीकि बहे ब्रह्म समाना। बोले नाम लेत भव सिंधु सुधाई विचार कर सुमन मनवाई। इतने दिव्य ज्ञान मिले। आप लोग रामायण लव कुश देखे होंगे, लव कुश स्वयं भगवान राम से कहते हैं। बोले आप आने से पहले हमारे गुरु जी आपके सारे लीलाओं को उन्होंने दर्शन करते हुए पहले से ही उन्होंने रामायण को लिपिबद्ध कर दिया। और अभी तक तो जो लीला हमें पढ़ाया, आगे किया होगा हमको अब नहीं पढ़ाया। बोले ऐसे विद्वान बने किसकी कृपा से। बोले श्री नारद जी कृपा से इतने बड़े वो ज्ञानी बने। इसलिए जब दक्ष प्रजापति को भगवान ने निर्देश दिया तुम भी सृष्टि का क्रम बढ़ाओ, दक्ष प्रजापति ने उन्होंने 10,000 संतान को उन्होंने जन्म दिया और नारद जी को पास में भेज दिया, जाओ इनको पास में पढ़ाई लिखाई करो। जब पढ़ाई लिखाई हो गई, अभी अब वापस जा रहे हैं, तब श्री नारद जी कह रहे हैं देखो अभी तुम संसार धर्म करने जा रहे हो, पहले तो समझो ये संसार है क्या चीज, नहीं तो फंस जाओ तो निकल नहीं पाओगे हैं। इसलिए पहले तो समझो। उन्होंने ऐसे ऐसे उनको कूट प्रश्न किया। बोले बताओ तो बच्चों, ऐसे कौन सा चक्र है जो चक्र को कोई नहीं घुमाते, जो चक्र अपने आप घूमती है, कौन सा चक्र है। चंद्र गोपाल तुम बोल कर जाओ उतर कथा, मैं 5 मिनट खत्म होकर थोड़ा बोल कर चलने का रुकना। इसलिए बोले बताओ तो ऐसे कौन सा चक्र जो बिना घुमाए अपने आप घूमती है। बोले ये काल चक्र है, पता नहीं कब हम जन्म हुए, धीरे धीरे बड़े हुए, पढ़ाई लिखाई की, धीरे धीरे शादी हो गया, धीरे धीरे बूढ़े हो गए, आंख में कमजोरी, दांत टूटना शुरू हुआ, राम नाम सत्य। बताओ ये चक्र को कौन घुमा रहे, जो चक्र अपने आप घूमती है। बोले सभी का जीवन चक्र तो घूम रही है, लेकिन एक व्यक्ति का जीवन चक्र स्टॉप बंद,
वो चक्र नहीं घूम रहे, एकदम एक जगह पर खड़ा है। बोले किसका जीवन चक्र है? बोले दस सरिते जम खणम नीत उत्तम श्लोक वार्ता। ये काल भी सूरज सभी की परमाई को नष्ट करता है, लेकिन जो भगवान की भजन करते हैं, जो कथा सुनते हैं, उनका काल चक्र घूम ले रहा है, वो एक जगह पर बंद है। हमारी परमाई नष्ट नहीं हो रही, क्यों? हम भगवान की कथा सुन रहे हैं। बोले बच्चों बताओ तो ऐसे कौन सा बील है जो बील में एक बार कोई घुस जाए ना, निकलने का जिसमें रास्ता नहीं मिलती, बता सकते हो? बोले ये गृहस्थ है। अब देखना, हम जितना कोशिश करते हैं, हम सोचते हैं भैया एक समस्या आई, अगर किसी तरह से इसको हल हो जाए ना, हमको चैन मिलेगा। अब देखना, एक समस्या तो गई नहीं, सामने और एक समस्या आ गई। जैसे हाथी दल दल में फंस जाती है, हम जितने संसार से निकलना चाहते हैं, उतना ही हम फंसते जा रहे हैं। सोचते हैं बेटे का शादी हो जाएगा, बस घर में बहू आ जाएगी ना, फिर तो कोई चिंता नहीं, घर बहू घर तो संभालेगी, फिर तो हम भजन करेंगे। लेकिन जब घर में बहू आ गई ना, बहुत ज्यादा बंधन में पड़ेंगे, अभी बहू को कौन देखेगा। सोचते हैं अगर नाती पोती हो जाए, फिर तो कोई चिंता नहीं, अगर नाती पोती हो जाए और भी फंस गए, कहीं अगर बाहर जाओ सत्संग में, फिर बहू ताना मारेगी, बोले डोकरा डोकरी घूमते रहती है, नाती पोती को देखते नहीं, क्या घूमते रहते हैं, फिर ताना मारेगी। ये संसार ऐसे तो बील है ना भैया, एक बार जो गए अंदर में, अभी तक कोई इसको निकलते हुए नहीं दिखला दिखाई पड़ी। बोले बताओ तो परम पिता की आदेश क्या है? बोले इनका आदेश है स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जातु चित्तम। एक ही आदेश है, हर समय भगवान की याद करो। एक ही निषेध है, कभी उनको भूलना नहीं। बोले बताओ तो ऐसे कौन सा हंस है जो दिव्य दिव्य बात करता है? कहते ये शास्त्र ग्रंथ है। ये क्या कहता है? भैया ये संसार में तुम रहने के लिए नहीं आए हो, तुम भगवान को भूलने का वजह से रिफ्यूज होकर यहाँ पर दो दिन के लिए आए हो, ये तुम्हारी घर नहीं, तुम्हारी घर तो ठाकुर जी की चरण में ही तुम्हारी घर है। वो दिव्य दिव्य उपदेश प्रदान करता है। नारद जी की संग मिलाना, जब उन्होंने सुंदर सुंदर उन्होंने तिब्बती को उपदेश दी, बोले बताओ अभी बताओ क्या करोगे, संसार में जाओगे कि नहीं? बोले गुरुजी आप इतने सारे ज्ञान देने का बाद फिर संसार में हम जाना नहीं चाहते हैं, हम तो चाहते हैं भगवान की भक्ति करना चाहिए। लेकिन गुरुजी आप तो सारे उपदेश दिए हो, लेकिन जब तक गुरु जी की कृपा नहीं हो ना, तब तक जीव संसार से पार नहीं हो सकते हैं, आप कृपा करके हमारे सर पर हाथ रखो। और वो हाथ रखे ना, सबके सब साधु बनेंगे। दक्ष प्रजापति को इतना क्रोध आया, बोले सारे मेरे बच्चों को भीख मंगवाना बना दिया हैं? फिर उन्होंने 10,000 बच्चे सृष्टि करके फेर दिए, फिर उनको भी भक्ति में लगा दिया। इतने में दक्ष प्रजापति को बड़ा क्रोध आया, बोले एक जगह पर बैठे बैठे करके हैं सारे बच्चों को बिगाड़ रहे हो, मैं तुम्हें अभिशाप देता हूं, एक मुहूर्त से ज्यादा एक जगह पर तुम टिक नहीं सकते हो। नारद तो नाचने लगते हैं, बोले एक मुहूर्त से ज्यादा समय टिक नहीं सकते, नाचने क्यों नाचने लग गए? बोले साधुओं की महिमा क्या उसको बताए, इतने संतों की महिमा है। बोले तुलया लबे नापी न स्वर्ग न अपो नर्ग भगवत भक्त संगस्य अगर जीवन में एक लव साधु संग हो जाए। बोले एक लव कितना समय है? बोले एक सेकंड को 11 भाग करो, 11 भाग का एकमा भाग को एक लव कहते हैं। अगर इतना समय अगर जीवन में सत्संग हो जाए, उसमें इतने आनंद है, कहते स्वर्ग यहाँ तक भी भूर भुवम मोह जन तपसत्य, उसको पर जो ब्रह्मलोक तक जो आनंद है, वो साधु संघ को एक लव के साथ में बराबर नहीं कर सकते। इसलिए जिसको गोस्वामी जी कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी और आधी से अपनी आग तुलसी सत्संग तमना से कोटि अपराध, इतने सत्संग की महिमा। इसलिए भगवान का जो ये तीसरा अवतार, जो चौथा अवतार में भगवान श्री नर नारायण ऋषि रूप में बद्री का आश्रम में तपस्या करते। बोले भगवान क्यों तपस्या करते हैं?
ठाकुर जी को पता है ये कलियुग का जीव तपस्या कर ही नहीं सकते। अगर कोई कष्ट करके मेरे पास में आए, एक बार मुझे दर्शन कर ले, मैं जो तपस्या कर रहा हूँ तपस्या का छठवां भाग फल अपने आप मेरे को जो दर्शन करेगा उसको मिल जाएगी। इसलिए ठाकुर जी दर्शन तपस्या कर रहे हैं। जब ठाकुर जी तपस्या कर लक्ष्मी देखा प्रभु गए तो गए, अभी तक आई नहीं। लक्ष्मी ढूंढते ढूंढते आई, देखा ठाकुर जी नर नारायण ऋषि रूप में तपस्या कर रहे हैं। माता लक्ष्मी बड़ी सुंदर एक बेर वृक्ष बन करके ठाकुर जी को सर के ऊपर खड़ी हो गई। अभी तक धूप आ रही थी, देखा बड़ी मीठी मीठी बड़ी सुंदर हवा बह रहा है। बोले भैया छाया हवा कहाँ से आ गई? ऊपर देखा तो श्री माँ लक्ष्मी स्वयं बेर का वृक्ष बने हुए। इसलिए भगवान को सब बद्री नारायण, बद्री मतलब बेर बर, जैसे लक्ष्मी नारायण सीता राम और राधे श्याम है, उसी तरह श्री बद्री नारायण ही। बद्री नारायण दर्शन करने का बड़ा महत्व है। कौन कौन गए हो हाथ उठाओ तो, बद्रीनाथ कौन कौन गए बताओ, कौन कौन जाना चाहते हो हाथ उठा, सबको ले जाएंगे, हाथ उठा सबके साथ। ठीक है, एक बार थर्टी में गरीब में हम कोशिश करेंगे एक बार आपको बद्रीनाथ दर्शन करा ले। बोले श्री बद्रीनाथ की, श्री बद्री नारायण की। देखो आपको एक सरल उपाय बताता हूँ। बोले जिस समय कृष्ण जन्म नहीं हुए थे, नंद बाबा ने एक मनोती रखा था, अगर मेरे घर में एक बालक की जन्म हो जाए हम पृथ्वी का सारे तीर्थ में नहाने जाएंगे, तीर्थ करने जाएंगे। अभी कृष्ण जन्म हुए, अभी नंद बाबा सोचे जानी चाहिए, लेकिन जाने के लिए जब तैयारी हुई, साधारण बात थोड़ी सारे तीर्थ में जाना। इतने में कृष्ण ने कहा पिताजी आप कहाँ जा रहे हो? बोले हम जा रहे बद्री नारायण जाना चाहते हैं, मैंने मनोती रखा था सारे तीर्थ। बोले पिताजी सारे तीर्थ तो यहीं पर है। बोले कहाँ पर? बोले वृंदावन में। काम में वन में चलो, पिता का कर्तव्य है, बच्चे का कर्तव्य है, पिता माता को क्या करनी चाहिए, सारे तीर्थ भ्रमण करानी चाहिए। उन्होंने बद्रीनाथ लेकर गए और वहीं पर हाथ, बोले सबके सब हाथ जोड़ो, सारे तीर्थ को स्मरण करो तो केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री जमुनोत्री लक्ष्मणशिला मान सरोवर पृथ्वी का जितने सारे तीर्थ थे ना, सबके सब कामवे बन में प्रकट हो गए। इसलिए हमारे सुंदर गोपाल प्रभु जी, हमारी जो परिक्रमा समाप्त हो जाएगी ना, हमारी ये ब्रजमंडल परिक्रमा समाप्त होने पर कौन महीना में 20 नवंबर से लेकर के 8 दिन तक ये जितने संपूर्ण ब्रजमंडल परिक्रमा, ये 8 दिनों में ये सबके सब तीर्थ करवाना चाहते हैं। अगर किसकी इच्छा हो, जो 84 क्रोस कर रहे हो एक महीना तो अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं कर पा रहे हैं उनको 8 दिनों में ही गाड़ी में जाना पड़ेगा आपको, 8 दिन तक उसको पूरा उन्होंने ये ब्रजमंडल परिक्रमा को सबके सब कराएंगे। हमारे श्री सुंदर गोपाल प्रभु, जिसकी इच्छा होगी आप इसको अपना नाम लिखवा देना, फिर तो सारे तीर्थ में हम भ्रमण करेंगे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए जो व्यक्ति ये ब्रजमंडल परिक्रमा कर लेते हैं ना, कहते हैं ना श्री रसखान कहते हैं, बोले किरत सुता के पग पग में प्रयाग जहां, इसको माइक दे दो, के सब के केली कुंज कोटि कोटि काशी है, गोपिनी की द्वार पे बसत है हरिद्वार, बद्री केदारनाथ बसत दस दासी है, स्वर्ग अपवर्ग हम ले करेंगे किया, जानते नहीं कि हम श्री वृंदावन वासी है। बोले श्रीमती राधा रानी की, बोले श्री वृषभान राज नंदिनी की। ऐसे ही यहाँ पर उन्होंने खड़े हो जाओ, ऐसे ही उन्होंने खड़े हो जाओ, ऐसे ही उन्होंने भगवान की ये 24 अवतार की उन्होंने कथा सुनाई, और सुनाते सुनाते उन्होंने कृष्ण का भी नाम ले लिया। बोले हमने गड़बड़ कर दी, क्योंकि कृष्ण अवतार नहीं है, ये कृष्ण अवतार है। इसलिए उन्होंने भगवान कृष्ण के लिए भी एक अलग श्लोक बनाए। क्या श्लोक बनाए अभी हम श्रवण करेंगे। हमारे बीच में श्री सुंदर गोपाल प्रभु जी ये बहुत अच्छे प्रचारक है। ये जो प्रचारक है ना, ये प्रभु जी कॉलेज में जा करके अंग्रेजी भाषा में उन्होंने क्या पढ़ाई किया, MBA किए हैं प्रभु जी। पिता माता की एक ही बेटा था, लेकिन सब छोड़ करके गुरु जी की शरण में आए, और इन्होंने कॉलेज में जा जा कर उन्होंने जो यंग बच्चे हैं ये उनको उन्होंने प्रचार करते हैं। अब इनका नाम पर ताली बजा जोर से आऊंगा।
कहते ये प्रभु जी इतने बच्चों को उन्होंने भजने में लाए जो आप सोच भी नहीं सकते हो। प्रभुपाद कहते हैं जो माया में फंसे हुए जो जीव एक व्यक्ति को अगर प्रभु का भजने में कोई लगा दे करोड़ों करोड़ हॉस्पिटल स्कूल कॉलेज खोलने से भी ज्यादा परोपकार का। लेकिन प्रभु जी बहुत बच्चों को उन्होंने समझा बुझा करके भगवान के भजन में लगाए। ठाकुर जी इनको शरीर सुस्त रखे और इनको खूब दीर्घायु दे और खूब उनको भक्ति प्रदान करे और जगत में मैंने भगवान की भक्ति को सर्वत्र ये प्रचार और प्रसार करे। श्री सुंदर गोपाल प्रभु गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय सदानाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय कनुभक्ताय नमो नमः। सर्वप्रथम दीक्षा गुरु पाद पद्म नित्यलीन प्रविष्टो विष्णुपाद श्रोतर्षन श्री श्री मशीन भक्ति विराट श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंड प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे हेतु कृपा की वाचा करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीन प्रविष्टो विष्णुपाद श्रोतर्षन श्री श्री मशीन भक्ति विराट श्री स्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंड प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे भी हेतु कृपा की वांछा करता हूँ। पूज्य पाद भक्ति विधान श्रीधर महाराज जी के चरणों में साधु महाराज जी के चरणों में समस्त वैष्णवों के चरणों में मेरा दंड प्रणाम। हरे कृष्ण। तो महाराज जी जिस प्रकार से भी साधु संत की महिमा बता रहे थे श्रीमद् भागवतम से, श्रीमद् भागवतम में बहुत सारे उपाख्यान आते हैं। ध्रुव महाराज जी की कथा आती है, ऋणाद महाराज जी की आती है, जड़ भरत की आती है, नव योगेंद्र संवाद आता है, अम्बरीश महाराज जी की कथा आती है। भागवत में जितने भी उपाख्यान हैं, हर उपाख्यान में साधु संघ की ही महिमा का दान किया गया है। जब ध्रुव महाराज जी को भगवान के दर्शन हुए, उन्होंने भगवान से क्या मांगा, भगवान मुझे साधु संघ चाहिए। तो भगवान का साधु संघ कोई क्यों करता है कि हमें भगवान के दर्शन हो गए, और यहाँ पे तो उनको भगवान के दर्शन हो गए तब भी भगवान से क्या मांग रहे हैं, साधु संघ की ही कामना कर रहे हैं। प्रहलाद महाराज जी, प्रहलाद महाराज जी ने उनको भक्ति किसके किसके संग से मिली, नारद जी के संग से ही उनको भक्ति मिली। तो प्रहलाद महाराज जी ने भी उनके उपाख्यान में देखेंगे तो जगह जगह पे साधु संघ की ही महिमा का गान किया है। जड़ भरत जी ने उन्होंने भी साधु संघ की ही महिमा का गान किया है। भागवत के जितने भी प्रसंग हैं, हर प्रसंग में साधु संघ की ही महिमा का गान किया गया है। इसलिए बताया कि भागवत सुनने का फल क्या है। गुरुदेव इस बात को बोलते थे कि जैसे अभी हम लोग कार्तिक मास करने के लिए एक महीना परिक्रमा करने आते हैं, तो गुरुदेव बोलते थे कि हम ब्रज के अनेक अनेक स्थानों पे जाते हैं, और ब्रज के जितने भी सारे स्थान हैं वो कैसे हैं, चिंतामणि है। जो भी आप वस्तु की चिंता करोगे वो आपकी सारी वासनाओं को पूर्ण करेंगे। तो गुरुदेव भी इसी बात को बोलते थे कि ब्रज के किसी भी स्थान पे जाओ तो क्या मांगना है, यही मांगो कि हमें साधुओं का संग मिल जाए। भागवत में आता है ज्ञाने प्रयासम उद्वासय नमन्तेव, ज्ञाने प्रयासम उद्वासय नमन्तेव यह जीवन्ति सर्वप्रीताम वार्ताम ये प्रयासो जीतो अपि जैस तेस अपेक्षी लोकयाम। कि ज्ञाने प्रयासम उद्वासय, ज्ञान के प्रयास को बहुत दूर जाके फेंक दो, ज्ञान का प्रयास हो योग का प्रयास हो सबको फेंक दो। क्या करो, स्थाने स्थिता श्रुति कथाम करो वाप मनो, फिर जिस स्थान पे रह रहे हो उसी स्थान पे, कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ पे वैष्णवों का संग मिले उसी स्थान पे, चाहे वो वृंदावन हो या कोई भी विश्व का कोई भी कोना क्यों ना हो, जहाँ पे भी आपको वैष्णवों का संग मिल जाए वहां पे बैठ के क्या करो, स्थाने स्थिता श्रुति कथाम तनो वार मनो, फिर अपने तन से मन से वाणी से उस वैष्णव की सेवा करो, उनसे जो हरि कथा सुन रहे हो उस हरि कथा की सेवा करो। इस प्रयास से क्या होगा, अजीतो अपि, कृष्ण भगवान अजीत है, उनको कोई भी जीत नहीं सकता। लेकिन जो अपने कानों को हरि कथा को प्रस्तुत कर देता है, अपने बपू को भगवान के भक्तों की सेवा के लिए प्रस्तुत कर देता है, वो अजीत भगवान को भी क्या कर लेता है, वो भगवान को भी जीत लेता है। महीये साम पाद रजो अभिषेकम, भगवान को प्राप्त करने का केवल एक ही उपाय है जो श्रीमद् भागवत में बताया। क्या बताया, पाद रज अभिषेकम, महीये साम पाद रज अभिषेकम। जो ऐसे श्रेष्ठ वैष्णव गण है जो भगवान के भक्त है, कहीं पे अगर उनके चरणों की रज मिल जाए, उनके चरणों की रज अगर मिल जाए, उससे अपने शरीर को कोई अभिषिक्त कर ले, उनकी वाणी को अपनी कथा में सुन ले, जो वैष्णवों की वाणी होती है जो हम हरि कथा सुनते हैं, इसको ब्रह्म वाक्य बोलते हैं, ये साधारण वाक्य नहीं है। किस प्रकार से श्रीमद् भागवत में बताया कि जो वैष्णवों के मुख से वाणी होती है वो क्या करती है, भगवान श्री कृष्ण के चरण बहुत कोमल है,
और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बड़ा ही सुंदर आलता लगा हुआ है, जिस आलता को गोपियां जो है अपने वस्त्र पे भी धारण करती हैं। वही भगवान के चरणों में जो लगा हुआ आलता है, अब जब वैष्णवों के मुख से हरि कथा निकलती है तो वो भगवान के चरणों का जो मकरंद है वो ही वैष्णवों के मुख से निकलता है और क्या करता है, हमारे हृदय में जाता है। इसलिए श्रीमद् भागवतम में कृष्ण दर्शन करने का क्या बताया, प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण, कि कृष्ण हृदय के अंदर प्रवेश कहाँ से करते हैं, कानों के माध्यम से करते हैं। जब एक बच्चा गर्भ में होता है उसका सबसे पहले शरीर का जो कान है सबसे पहले उसका कान ही डेवलप होता है। हमारी जो पंच इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां, पंच कर्म इंद्रियां, ये सारी की सारी इंद्रियां जड़ है और भगवान क्या है, भगवान चेतन वस्तु है। तो जड़ वस्तु कभी भी चेतन वस्तु का स्पर्श नहीं कर सकती, हम भगवान को देख नहीं सकते, हम उनकी सुगंध को सूंघ नहीं सकते, हम उनको स्पर्श नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग जड़ है, भगवान चेतन है। केवल एक ऐसी इंद्रिय है हमारी, वो है कर्ण इंद्रिया। प्रभुपाद जी बोलते थे कि जो हमारी कर्ण इंद्रिया है उसको भगवान ने इतनी शक्ति दी है कि वो उस स्पिरिचुअल वस्तु को जो कि चिद वस्तु है, उस चिद वस्तु में उसको अगर थोड़ा प्रयास करे तो ये उस चिद वस्तु को स्पर्श कर सकती है। और अगर हमारे कर्ण के माध्यम से हम लोग हरि कथा सुनते हैं तब जाके हमारे हृदय में भगवान कृष्ण इस बात को खुद बोलते हैं श्रीमद् भागवतम में, प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण, कर्ण के जो रंध्र है उसके अंदर से ही मैं प्रवेश करता हूँ, कहाँ पे, साधक के हृदय के अंदर। जैसे हम लोग सुनते हैं हनुमान जी ने जब अपना सीना फाड़ के दिखाया तो क्या दिखाया, सीताराम जी की झांकी दिखाई। उसमें आते ना, राम चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, कि उनके हृदय में क्यों बैठे हैं, क्योंकि वो रसिया हैं। किस चीज के रसिया हैं, राम चरित्र सुनिबे को रसिया, भगवान की लीलाओं को सुनते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति साधु संग करता है, अब साधु संग का वास्तविक अर्थ क्या है, साधु संग का अर्थ यही है उनसे जाके उनसे हरि कथा सुनना, क्योंकि साधु का जो धन है वो हरि कथा के माध्यम से ही निकलेगा। कोई साधु के पास जाके उनके चरणों को स्पर्श करके बोले हाँ हाँ मुझे आशीर्वाद दे दो, वो ऐसे हाथ दिखा देंगे, लोग सोचेंगे हाँ हमें आशीर्वाद मिल गया, लेकिन नहीं, वास्तविक साधु संगी है उनसे हरि कथा को श्रवण करना, ये ही उनकी धन और संपत्ति है। इसलिए जब परीक्षित महाराज जी 7 दिन बचे थे उन्होंने क्या किया, सुखदेव गोस्वामी जी का संग किया। कैसे संग किया, उनसे श्रीमद भागवत कथा को श्रवण किया। इसलिए ये जो श्रीमद भागवत कथा है और इसको साधु के मुख से सुनना, और वो भी वृंदावन धाम में, और वो भी बिल्कुल ठाकुर जी के सामने, और वो भी बड़े बड़े वैष्णवों के संग में, और कार्तिक मास में, तो सोचो इसकी क्या महिमा होगी। हम लोग इसकी महिमा को कल्पना भी नहीं कर सकते कि जो अभी हमें वस्तु प्राप्त हो रही है। लेकिन प्रश्न ये है कि साधु संग सबका होता है क्या, बताया साधु संग सबका होता नहीं है। साधु संग किनका होता है, जो लोग अपने कर्ण को देते हैं, यानी कि मैं जो इनसे हरि कथा सुन रहा हूँ उस हरि कथा को मैं क्या करूंगा, अपने जीवन में अपना लूंगा। गुरु मुख पद्मा वाक्या चेतेते करिया एक्या। तो इस प्रकार से जो फुल्ली सरेंडर होके भगवान की हरि कथा सुनते हैं उन्हीं के लिए श्रीमद् भागवत ने बताया है, ये प्रयासो जीतो अपि जैस तैस त्रिलोकयाम, कि वो तीनों लोगों के जो स्वामी है वो भगवान को भी जीत लेते हैं, भगवान भी उनके सामने हार जाते हैं जो क्या करते हैं, इस प्रकार से भगवान की हरि कथा का श्रवण करते हैं। श्रीमद् भागवतम में जितने भी प्रसंग है आप देखो कि जब भी कोई व्यक्ति किसी भक्त से मिलता है तो वहां पे क्या आता है, देवहूति उवाचा, कर्दम उवाचा, कपिल उवाचा, सब लोग प्रश्न पूछते हैं। साधु संघ के पास जाने के साथ साथ साधु से क्या पूछते हैं, भगवान से संबंधित प्रश्न पूछते हैं। श्रीमद् भागवतम क्या है, 6 प्रश्न पूछे, उसी 6 प्रश्न के उत्तर में पूरी श्रीमद् भागवतम आ गई। तो वास्तविक में अगर हम लोग अपना मंगल चाहते हैं इन हरि कथाओं को सुनने के बाद, अगर हम लोग इसको अपने जीवन में अमल करते हैं और हम इस हरि कथा को इस भाव से सुनते हैं कि हाँ मैं इस हरि कथा को क्या करूंगा, अपने जीवन में अमल करूंगा, तो बहुत जल्दी हम बद जीवों का इस जगत से कल्याण होता है। और इस जगत में कल्याण प्राप्त करने का श्रील प्रभुपाद जी बोलते थे हरि कथा को छोड़ के और कोई उपाय नहीं है। गुरुदेव बोलते थे इस बात को, गुरुदेव बोलते थे कि एक व्यक्ति धाम में आके बहुत साधुओं की सेवा करता है, बहुत घूम घूम के सारे मंदिरों में दर्शन करता है, और क्या करता है, बहुत हरिनाम भी करता है,
सबकी सेवा भी करता है, दर्शन भी करता है, लेकिन उसने हरि कथा नहीं सुनी तो उसको कुछ मिलेगा? गुरुदेव बोलते थे उसको कुछ भी नहीं मिला, वो खाली हाथ ही गया। तो श्रीमद् भागवत सुनना, वैष्णव के मुख से हरि कथा सुनना, ये ही वास्तविक में धाम के दर्शन है। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आता है जिससे बताया गया है, या कुंडपे त्रि धातु के स्वधी होम हिजदी कंत्रादिशु तीर्थ बुद्धि सलीले, जो तीर्थ बुद्धि सलीले रखता है, तीर्थ बुद्धि सलीले का अर्थ है कि हाँ हाँ हम हरिद्वार में जाएंगे तो वहां पे गंगा है उसमें स्नान करेंगे, अरे वृंदावन में आएंगे तो यमुना जी में स्नान करेंगे, जो इस प्रकार से तीर्थों के प्रति ये बुद्धि रखता है कि हाँ हाँ तीर्थ में जाके हम क्या करेंगे, वहां पे स्नान करेंगे। बताया स एक पोखरा, उसकी बुद्धि जो है अभी पशु के समान है, उसकी बुद्धि अभी डेवलप नहीं हुई है। ना देव अमृत शिलम आया, कि जो धाम है केवल भगवान के श्री विग्रह वहां पे होने से धाम को धाम नहीं बोलते हैं। बताया ते पुरंति उरु काले दर्शना देव साधना, कि नहीं नहीं धाम तो है ना, क्यों वहां पे गोविंद जी है, गोपीनाथ जी है, मदन मोहन जी, इतने सारे ठाकुर है। तो श्रीमद् भागवत ने बताया कि अगर आप धाम में जाके भगवान के दर्शन करोगे, उससे ते पुरंति उरु काले बहुत कोटि कोटि कल्प लग जाएंगे, तब जाके उसका हृदय पवित्र होगा। लेकिन दर्शनादि साधुवा, लेकिन साधु के दर्शन करने से ही हृदय पवित्र हो जाता है। दर्शन का अर्थ है उनसे हरि कथा सुनना। तो वास्तविक धाम के दर्शन कैसे होते हैं? वैष्णवों के मुख से हरि कथा सुन के ही धाम का दर्शन होता है। और जीव का सबसे बड़ा मंगल, इससे बड़ा मंगल जीव का और कुछ हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ा मंगल क्या है जीव का? वैष्णवों के मुख से कथा सुनना। और अभी जो हम वैष्णवों के मुख से कथा सुन रहे हैं, इसको आप ये मत समझो कि बहुत अनायास सुन रहे हैं, कोई ना कोई भगवान की ऐसी विशेष कृपा हुई है कि आज हमें ये अवसर मिला है इनसे हरि कथा सुनने का। तो इस अवसर को हम अच्छी तरह लाभ उठाएं, यही हमारी प्रार्थना है। इतना ही बोल के वाणी को विश्राम देता हूँ। इतना ही बहुत हाथ उठा कर बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे। हमारे बीच में श्री कृष्णदास प्रभु जी के भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, इनका लाख रुपया की बैंगलोर में ये नौकरी करते थे, लाख रुपया की तनख्वाह है, लेकिन उन्होंने सब छोड़ करके ब्राह्मण घर में जन्म है, इन्होंने सब छोड़ के गुरु जी के चरण में आए, इनकी जूम में कथा चलती है, बहुत इनकी हलवार है, विदेश तक लोग भी इनकी कथा को बैठ बैठ कर वहीं सुनते हैं, और ये वृंदावन से बड़े सुंदर सुंदर गुरु जी कथा सुना रहे हैं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पर नित्य राम प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शक्ति श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी आयु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात पूज्यपाद वेदांत शंकर महाराज जी हैं, पूज्यपाद साधु महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी के चरणों में यथा योग्य प्रणाम अर्पण करता हूँ। हम लोगों का परम सौभाग्य है कि श्री वृंदावन धाम में कार्तिक मास में श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। अभी महाराज जी ने साधु संघ की महिमा बताई और
हमारे सुंदर गोपाल प्रभु जी ने भी साधु संघ की महिमा बताई, उसी प्रसंग को मैं आगे थोड़ा बढ़ाऊंगा। श्री प्रहलाद महाराज जी का चरित्र समस्त साधकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम साधन भजन करते हैं तो हमको जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट, रोग, व्याधि, समस्याएं वो समय समय पर आती रहती हैं। तो श्री प्रहलाद महाराज जी ने किस प्रकार से उससे लड़ने के लिए हम सभी साधकों को उपदेश प्रदान किए हैं, कैसे भजन के लिए उपदेश प्रदान किए हैं, इन्हीं सब बातों पर थोड़ा मैं प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। श्री प्रहलाद महाराज जी, जैसा कि अभी बताया कि उनको नारद जी का संग प्राप्त हुआ, उस समय श्री प्रहलाद महाराज गर्भ में ही थे, किंतु नारद जी की कृपा से उनको वो सब कुछ याद रहा। श्रीमद् भागवत में वर्णन है, उनकी माता ही कयाधु, उन्होंने प्रहलाद की तरह भजन क्यों नहीं किया, तो सारे उपदेश तो नारद जी साक्षात रूप में कयाधु को सुना रहे थे, किंतु कयाधु साक्षात सुन रही हैं, उनको स्मरण नहीं है, वो वैसा भजन नहीं कर पा रही, किंतु प्रहलाद महाराज गर्भ में थे और गर्भ में होने पर भी प्रहलाद महाराज भजन कर रहे हैं और उनको ये सारे उपदेश भी याद हैं। ये सब बातें श्री प्रहलाद महाराज से उनके जो मित्र हैं, जो सखागण दैत्य असुर बालक, उन्होंने प्रश्न किया कि तुमको कैसे याद रहा, तुम तो उस समय माता जी के घर में थे। तब प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, गुरु कृपा से, ये सबसे मुख्य बात, शास्त्र में बताया उपनिषद में, नायमात्मा प्रवचने लभ्यो न वेदया न बहुना श्रुते न यमे वैस वृणते तेन लभ्य तस्य ही सात्मा विवृणते तनुसा, कि जो शास्त्र हैं, भगवान की भक्ति है, ये सब बातें हैं, ये कभी भी हम अपनी बुद्धि से प्रवचन सुन करके अथवा बहुत सारे शास्त्रों को याद करके भी नहीं समझ सकते। यमे वैस वृणते तेन लभ्य, इसका साक्षात प्रमाण, अर्थात जिस पर वो कृपा करते, जिसको वो वरण कर लेते, जिसको साधु ने वरण कर लिया, तेन लभ्य, उसी को वो प्राप्त हुआ, तस्य ही सात्मा विवृणते तनुसाम, और उसी के हृदय में फिर भगवान अपने विग्रह को प्रकाशित करते। और इसके हम अनेक सारे उदाहरण भी देख सकते हैं, जहाँ पर देखो प्रहलाद महाराज जी, अगर विचार किया जाए तो असुर कुल में जन्म लिया, लेकिन नारद जी ने उनको वरण किया, इसलिए महाभागवत। ध्रुव महाराज जी, वो भी कामना से गए थे जंगल में, किंतु नारद जी ने उनको भी वरण कर लिया, तो वो भी महाभागवत हो। और इनकी तो बात ही छोड़ो, जो व्याध है उसका क्या गुण था, जो शिकारी भागवत में वर्णन आया है, वो शिकारी वो तो कितना क्रूर था, कितना क्रूर तो हम अपने आसपास भी लोगों को नहीं देखते, कि वो जंगल में पशुओं को मार करके, मारता ही नहीं था, उनको घायल करके छोड़ देता था, और वो जब तड़पते रहते थे, उनको तड़पते देख करके उसको आनंद होता था, कितना क्रूर था, लेकिन नारद जी ने उसको वर्ण कर दिया तो उसको ही महाभागवत कहा। इसी प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में हम लोग श्रवण करते हैं कि श्री हरिदास ठाकुर ने, उन्होंने एक वैश्या के ऊपर सोच लिया कृपा करने के लिए, और वो वैश्या परम महानती हो गई, उसका क्या गुण था, लेकिन हरिदास ठाकुर ने बोल दिया उनको कि मैं तो यहाँ से 3 दिन पहले ही जाने वाला था, किंतु तुम पर कृपा करने के लिए मैं 3 दिन और रुक गया। तो वो वैष्णवी इतनी परम वैष्णवी हो गई कि बड़े बड़े साधु लोग उनके दर्शन के लिए आते थे। और इसके अतिरिक्त जगाई मदाई का कौन सा गुण था, जगाई मदाई का कोई गुण था, श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, उन्होंने सारे के सारे पाप किए, कितने पाप किए थे कि चित्रगुप्त तो लिखते लिखते ही परेशान हो गए, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने वर्ण कर लिया। जब सभी लोग कहने लगे कि इधर मत जाओ, इधर तो जगाई मदाई रहते हैं, बड़े पापी हैं वो, साधु असाधु कुछ नहीं जानते, वो तुमको भी मारेंगे, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने क्या सोच लिया कि नहीं, अगर महाप्रभु की महिमा को इस जगत में प्रकाशित करना है तो सबसे पहले इनका ही उद्धार होना चाहिए, तभी तो लोग जानेंगे। अरे साधु को साधु बनाए तो क्या बड़ी बात है, जो सारा इतना पापी है, जिसका उद्धार का कोई संभावना ही नहीं है, जिसका नरक जाना निश्चित ही है करोड़ों जन्म तक भी, उसको साधु बनाया तब तो लग जगत के लोग सोचेंगे कि हाँ महाप्रभु की क्या महिमा। इसलिए नित्यानंद प्रभु ने वरण कर लिया, और वरण करने के पश्चात में वो जगाई मदाई को ऐसा महाभागवत बना दिया कि उनके दर्शन करने के लिए हम सारे साधु लोग जाते। तो ये किसकी महिमा है, साधुओं की। इसलिए
जो हम लोग साधन भजन करते हैं, जैसा भी प्रभु जी बता रहे थे साधु संघ, वो साधु संघ में हमको क्या करना पड़ेगा, केवल खाली कान से सुनने से होगा नहीं, साधुओं को प्रसन्न करना पड़ेगा जिससे कि वो हमको वरण करें, वो हम पर कृपा करें। यद्यपि साधुओं की कृपा का कोई हेतु नहीं है, जैसे अभी बताया नारद जी ने ब्याज पर कृपा की, उसका क्या हेतु था, उसने कौन सी उनकी सेवा कर दी, लेकिन फिर भी साधु लोग भी कुछ कुछ चीजें तो देखते ही हैं और वो अहेतु की कृपा भी करते हैं। अहेतु की कृपा का मतलब क्या, जैसे हम लोग कथा सुन रहे हैं, कथा सुन करके मान लो महाराज जी ने कुछ पूछा, किसी ने बता दिया, उतने से ही प्रसन्न हो जाते हैं कि चलो ये बैठ करके ठीक ठीक कथा तो सुन रहा है, उसी से महाराज प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के मन में सोच लिया कि हाँ इसको भक्ति हो जाए, बस भक्ति हो जाए, तो ये अहेतु की है। लेकिन फिर भी संग कैसे करना पड़ेगा, ये विचार करना पड़ेगा। इसलिए श्री प्रहलाद महाराज ने बड़ी सुंदर सुंदर उपदेश दिए हैं, भागवत में उनकी महिमा इतनी अद्भुत है, और हमारे जैसे साधकों के लिए उनके पिताजी ने पहले गुरु आश्रम में भेजा, पूरा प्रारंभ से लेकर के अंत तक प्रहलाद जी का जीवन चरित्र शिक्षा मूलक ही है। श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने 64 बार से अधिक भी उसका पाठ किया प्रहलाद चरित्र का, इसी से हम उसका गुरुत्व कितना है समझ सकते हैं। तो जब गुरु आश्रम में गए, अब गुरु उनको सब कुछ पढ़ाते, राजनीति धर्म नीति कूटनीति जितनी भी प्रकार की चीजें हैं जागते, वो सारी के सारी प्रहलाद को शिक्षा देते हैं। प्रहलाद वो सब सुन लेते हैं, याद कर लेते हैं, किंतु याद करने के बाद में और गुरुजनों को सुना भी देते हैं, किंतु कुछ दिनों के पश्चात में जब उनके गुरु शंड और अमर वो हिरण्यकश्यप के पास प्रहलाद महाराज को लेकर के आए और उन्होंने पूछा कि अब तक तुमने जो सबसे जितनी शिक्षाएं सीखी उसमें उत्तम विद्या तुमको क्या लगती, तो उन्होंने सीधे सीधे बताया कि मैं तो उसी को साधु मानता हूँ कि प्रारंभ बाल्यकाल से ही सब कुछ छोड़ करके गृहम अंधकूपम हित्वा आत्मपातम, उन सब को छोड़ करके और वनम गए, वन को चले जाओ, यही सबसे उत्तम मानता हूँ। अब यहाँ पर शिक्षा क्या है, साधु संघ किसे कहते हैं, इस बात को समझना, कि साधु संघ कोई बाहर की चीज नहीं है, यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं और बैठ करके कथा को सुन रहे हैं कान से, ये जरूरी नहीं है संघ हो रहा है। अब देखो साधु संघ किसे कहते हैं, बात किसकी सुनते हैं, संडमर की, जो बात वो पढ़ाते हैं सारी की सारी याद करके सुना देते हैं, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि तुम उत्तम किसको मानते हो, तो नारद जी की शिक्षा बताए, इसको कहते हैं साधु संघ। यानी कि ऊपर से हमने क्या किया, लौकिक आचरण क्या कर रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग यहाँ किसी किसी कारण से आकर के बैठ गए लौकिक आचरण करने के लिए, महाराज को दिखाने के लिए या बोला है या कुछ और भी है, तो वो संग नहीं हुआ, किंतु हृदय से उन बातों को कितना धारण किया और धारण करके उसको आचरण कितना किया, ये संग है। तो उन्होंने जो गर्व में बातें सुनी थी, बाहर आकर के सुनी भी नहीं नारद जी, बाहर आकर के साक्षात उनको तो उपदेश प्राप्त नहीं हुआ, गर्व में जो बातें सुनी थी उसी को उत्तम विद्या बताया, और जितनी संड और अमर की बातें थी तो सब बेकार, ये सब बेकार, इसको कहते साधु। हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया, पहले तो संड अमर को बड़ी क्रोध पूर्ण देखा उसने, कि तुमने ये क्या सिखाया मेरे बच्चे को, इतना सीधा साधा बालक है और तुमने इसकी बुद्धि बिगाड़ दी, वो तो डर के मारे कांपने लगे, कहते ये पता नहीं क्या बता रहा है, हमने तो कुछ और ही सिखाया। यहाँ पर भी बड़ी सुंदर शिक्षा है, गुरु न सस्या स्वजनो न सस्या, पिता न सस्वात जननी न सास्या, दैवम न तस्यात न पतिश्च सस्यात, न मोजे दिया समुखेत मृत्यु, कि देखो जागतिक दृष्टि से गुरु तो पिताजी ने गुरु के पास में भेज दिया, लेकिन प्रहलाद महाराज उनको गुरु नहीं मानते, उनको क्या मानते हैं, शिक्षक। शिक्षक और गुरु में बहुत अंतर होता है, गुरु कौन है, रुकारस्तु अंधकार रुकारस्त निरोध कर, अंधकार निरोध गुरु अभिधीय, कि जो अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाता है, भगवान के पास में जो हमको ले जाता है, हमारा भगवान के साथ में संबंध कराता है, वो गुरु है। उसी प्रकार से पिता माता भाई बहन जितने भी जागतिक संबंध हैं वो सब कौन है, जो कि हमारे भगवान की ओर ले जाते हैं। तुलसीदास जी ने एक बड़ी सुंदर बात बताई, मीराबाई जब घर में उनको बहुत सारे लोग भजन के लिए परेशान करते थे, तो उन्होंने एक पत्र लिखा था कि मेरा क्या कर्तव्य है, तो श्री तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर एक चौपाई लिख करके उनको भेजी, जाके प्रिय न राम वैदेही,
तेजिए ताहे कोटि बैरी सब जलब परम से नहीं, कि जिसके प्रिय राम नहीं है वो कितना भी प्रिय कर, चाहे तुम्हारा प्रिय हो या उसके तुम प्रिय हो, उसको कैसे त्याग कर देना चाहिए, कोटि बैरी सम ऐसा समझना चाहिए, इससे बढ़कर के मेरा शत्रु और कोई नहीं। कितनी बड़ी शिक्षा है। अब संग किसको कहते हैं, क्या हम इस शिक्षा को ग्रहण करते हैं? हमारे घर के माता पिता स्वजन बंधु बांधव हमको भजन में जो बाधा देते हैं, क्या हम उनको प्रेम नहीं करते? फिर भी करते हैं, तो शिक्षा साधु संग कहाँ हुआ? और फिर तुलसीदास जी ने इतने सुंदर उदाहरण दिए, क्योंकि जगत के लोग सोच सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा प्रेम की बात कर रहे हैं, तो कहते देखो कहो पिता प्रहलाद, प्रहलाद का जो पिता था पूरे 14 लोगों में ब्रह्मा जी की सृष्टि में उसके समान दूसरा कोई था ही नहीं, ब्रह्मा जी की सृष्टि में उसको कोई मार नहीं सकता है, देवता भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इतना शक्तिशाली था और कितना प्रेम करता है। वर्णन आया भागवत, जब प्रहलाद महाराज उसके पास में गए हैं, उनको साष्टांग प्रणाम किया है, असुर होने पर भी उसके अंदर सतोगुण का प्रकाश हुआ। सतोगुण क्या होता है? उसने अपने गोद में बिठाया प्रहलाद को, उनको आलिंगन करता है, उनको चुंबन करता है, माथा सूंघता है, हाथ फिरा रहा है सिर के ऊपर, इतना प्रेम करता है। लेकिन प्रहलाद महाराज ने क्या किया, जब तक वो जीवित रहा हिरण्यकश्यप, तब तक कभी कभी असुर श्रेष्ठ, कभी राजन, कभी दैत्यराज, इस प्रकार से बोला, पिता कभी बोला ही नहीं। इसलिए जाके प्रिय न राम वैदित कोटि बैरी सब मानते हैं उनको। और भरत की जो माँ है केकई देवी, उन्होंने अपने पुत्र भरत के लिए क्या नहीं किया, यहाँ तक कि दशरथ, वो जानती हैं कि दशरथ वियोग में मर जाएंगे, उनके सामने तो क्षण क्षण में मूर्छित होकर के राम राम कहकर के गिर पड़ते हैं, इतना भरत के लिए इतना कर रही हैं, तो उनके अपने पति की भी चिंता नहीं की। और राम जिनको कि सारा जो कौशल्या नगरी है, अयोध्यावासी जितने भी, वो सब इतना प्रेम करते हैं, लेकिन राम की भी परवाह नहीं की, उनको भी वनवास दे दिया। ऐसे भरत के लिए सब तो किया, अपने लिए थोड़ी किया उन्होंने। लेकिन भरत ने क्या किया, आते ही सीधे बोल दिया, आज के बाद माँ तो बोलूंगा ही। इस प्रकार से शास्त्र में उदाहरण दिए गए कि ये इतना प्रेम करने वाले थे ये सब, विभीषण रावण भी उनको बड़ा प्रेम करता, लेकिन विभीषण ने उसका भी परित्याग कर दिया। इस प्रकार से कहने का तात्पर्य यह है कि जो भगवान का भजन नहीं करता है उसको कोटि बैरी समी मानना चाहिए, उससे कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। अगर लौकिक रखना पड़े तो कोई बात नहीं, जैसे प्रहलाद भी तो लौकिक रखते हैं, किंतु भीतर से उसका लेस मात्र भी संग नहीं करना चाहिए, अर्थात केवल उसको बस बाह्य आचरण करते रहो और भीतर से उसका कोई उसके प्रति ममता कुछ मत रखो। फिर उसके बाद में जब ऐसे कहा तो उन्होंने कहा हिरण्यकश्यप ने कि अब फिर से बालक को ले जाओ और आश्रम में जाकर के देखो इसकी बुद्धि कौन बिगाड़ता है, कौन बिगाड़ रहा है, और सावधान रहो, ये तो बालक है, किसी ने कुछ सिखा दिया होगा। संड और अमर लेकर के आ गए और आकर के प्रहलाद से पूछते हैं, क्यों रे तेरी बुद्धि ऐसे किसने बिगाड़ी? अब देखो हर बात में शिक्षा है, प्रहलाद की शिक्षाएं जो 15-20 मिनट की तो है ही नहीं, ये तो नित्य श्रवण करने वाली वस्तु, उसमें बहुत समय थी। प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं और संडमर क्या कह रहे हैं, संडमर कह रहे हैं तेरी बुद्धि किसने बिगाड़ी, ये जगत देखो कैसा है, जो भगवान का भजन करता है उसकी बुद्धि बिगड़ी कि तुम्हारी बिगड़ी, जो शराब पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं और अवैध स्त्री संग करते हैं, सारे दिन उल्टा पुल्टा काम करते हैं, उनकी बुद्धि बिगड़ी है कि जो भजन कर रहा है उसकी बिगड़ी है? लेकिन जगत के लोग क्या कह रहे हैं, इसकी बुद्धि बिगड़ गई, पता नहीं क्या हो गया, सारा जगत उनके पीछे लग जाता है। हमारे परम गुरुदेव एक बड़ी सुंदर कथा सुनाते थे, जगत कैसा है, एक गांव में सारे के सारे भांग खाने वाले लोग, सभी के सभी लोग भांग खा रहे। उस गांव में एक घर में एक बच्चे का जन्म हुआ, वो बच्चा भांग नहीं खाता, अब उसके माता पिता सोच रहे हैं कि लग रहा है हमारा बच्चा ठीक नहीं है, इसको कोई बीमारी है, ये भांग क्यों नहीं खाता है, सारा गांव भांग खाता है, ये भांग क्यों नहीं खाता। उसको समझाया बुझाया, थोड़ा बड़ा हुआ सोचा पहले तो छोटा है अभी, इसको समझ नहीं है, बड़ा हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा, बड़ा हो गया थोड़ा, अब और कुछ उपाय जैसे आसपास के, जैसे बताया ना कोई भजन करता है तो सारे स्वजन बंधु बांधव आ जाते हैं उसको समझाने के लिए, अरे तुम्हारी कोई उम्र है, यहीं रह करके भजन करो, इस प्रकार की बातें समझाते हैं ना, मतलब भजन करने से रोकने के लिए सारी चेष्टाएं, साम दाम दंड वीर सब कुछ लगा दो। उसी प्रकार से संडमर कह रहे हैं कि तुम्हारी बुद्धि किसने बिगाड़ी, तो वो गांव में फिर जब बड़ा हो गया बच्चा तो उसके घर वाले जो है वो डॉक्टर के पास ले जाकर के उसको चेक कराते हैं, भांग क्यों नहीं खाता। ऐसी जगत की स्थिति, यानी कि सारे के सारे विषयी
भोगी लोग हैं, अगर एक कोई भोग छोड़ देता है तो उसको समझते ये बीमार है, इसका इलाज कराओ। इलाज कैसे होगा कि इसको भोग में लगा दो, यही इलाज। तो इसी प्रकार से संड और अमर क्या कह रहे हैं, संड अमर यही कह रहे हैं कि भाई तेरी बुद्धि किसने बिगाड़ी, यानी खुद की बुद्धि तो बिगड़ी हुई है लेकिन बेचारा ये जो भजन कर रहा है उसकी बुद्धि को जगत के लोग बिगड़ा हुआ समझ। तो प्रहलाद महाराज ने कहा और क्या क्या कह रहे हैं, देखो कैसा कैसा उनको बोल रहे हैं, ऐसे हम लोगों को भी बोलते हैं जो भजन करते हैं। इसलिए कहा है प्रहलाद महाराज की शिक्षा बड़ी महत्वपूर्ण है, इससे प्रेरणा मिलनी चाहिए। जब उनको बोला तो हमको क्यों नहीं बोलेंगे, हम तो इतने बड़े भक्त भी नहीं। उनको बोल रहे हैं अरे ये चंदन के जंगल में बबूल का कांटा कहाँ से उगा है, जो हिरण्यकश्यपु साधुओं के ऊपर अत्याचार करता है, देवताओं को मारता है, सारे देवताओं को जो 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 जिनके पद थे उनको उठा करके वहां से सारे असुरों को उस पर बिठा दिया। सृष्टि में जितने नियम थे, जो पुण्य करेगा वो नरक में जाएगा, जो पाप करेगा वो स्वर्ग जाएगा, ऐसा आदमी इसको कह रहा है चंदन का जंगल। और प्रहलाद महाराज को कांटे बबूल का कांटा बोल रहा है। तो ये विषयी और जो भोगी लोग हैं उनकी प्रवृत्ति कैसे होती है, और इस प्रकार की बाधाएं सबके सामने आई हैं, इसलिए चिंता करने की बात नहीं। प्रहलाद महाराज जैसे रहे वैसे शांत रहना चाहिए। और फिर उन्होंने बताया कि देखो मेरी बुद्धि किसी ने बिगाड़ी नहीं है, जैसे तुम लोगों की मर्जी स्वाभाविक रूप से विषय भोगों में लगती है, उसी प्रकार से मेरी बुद्धि स्वाभाविक रूप से भगवान में लगती है, मेरा क्या दोष है। और उसमें उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे चुंबक है, चुंबक की ओर लोहा ऑटोमेटिक खींचा जाता है, उसको कुछ करना थोड़ी पड़ता है, उसी प्रकार से मेरी बुद्धि भी स्वाभाविक रूप से भगवान में लगती है। तो उनको डांट भटकाने लगे, मेरा बेंत लाओ इसको अभी मजा चकाता हूँ। तभी प्रहलाद महाराज विचलित नहीं हुए, फिर दोबारा से उन्होंने फिर शिक्षा देना प्रारंभ किया, राजनीति कूटनीति सारी नीति सिखाई। फिर जब दोबारा में ले गए हिरण्यकश्यपु के पास में, फिर हिरण्यकश्यपु ने तो उनको साष्टांग प्रणाम किया प्रहलाद महाराज, असुर श्रेष्ठ बोल करके। हिरण्यकश्यपु बड़ा प्रसन्न हुआ, सोचा इस बार बच्चे की बुद्धि सुधर गई होगी, इसलिए फिर से पूछा कि भाई तुमने अब तक जितनी भी शिक्षाएं सीखी हैं उसमें सर्वोत्तम शिक्षा क्या है। फिर प्रहलाद महाराज देखो फिर से दोबारा उन्होंने सब याद किया, टीचर जो सिखाता है सब याद कर लेते हैं, सब सुना भी देते हैं, लेकिन हृदय में संग किसका करते हैं, नारद जी का। तब उन्होंने बोला श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसारिता विष्णु भक्तिश्चैव नवलक्षणा क्रियते भगवतद्या तन्मन्ये अधिकम उत्तम। कि जो ये भगवान की नवदा भक्ति है इसको ही मैं उत्तम मानता हूँ। अब देखो यहाँ पर कितनी विशेष बात है, जो भगवान के भक्त होते हैं उनका गुण देखो, और जो एक असुर वृत्ति के लोग हैं उनका गुण देखो। प्रहलाद महाराज को क्या पता नहीं है मेरा पिता विष्णु को सबसे बड़ा शत्रु मानता है, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या बोला श्रवणम कीर्तनम विष्णु, क्यों? क्योंकि उनको भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास है, रक्षिष्यति इति विश्वासो, कृष्ण रक्षा करने वाले हैं, हिरण्यकश्यपु रक्षा नहीं कर सकता, न वो मारने वाला है न रक्षा करने वाला है, भगवान के प्रति किस प्रकार का दृढ़ विश्वास दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए। जब ऐसी श्रद्धा होगी तो फल भी प्रहलाद महाराज जैसा मिलेगा। हम लोगों की श्रद्धा ही नहीं है, श्रद्धा ही नहीं है, इस कारण से हम लोगों को वैसे भगवान रक्षा भी नहीं करते। बड़ी सुंदर एक छोटी सी कथा आती है कि दो व्यक्ति थे, वो छत के ऊपर खड़े थे, उन्होंने आपस में कंपटीशन लगाया कि तुम्हें भगवान के ऊपर पूर्ण श्रद्धा है तो कूद जाओ भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो उसने बोला अगर भगवान की मेरी भगवान के प्रति यदि श्रद्धा है, भगवान सच वास्तव में है, तो भगवान मेरी रक्षा करें। कूद गया तो कूदा तो सही, लेकिन उसकी खाली एक उंगली टूट गई, बाकी बच गया पूरा। तो बाद में उसने भगवान से पूछा प्रभु मैंने तो आपके ऊपर पूर्ण श्रद्धा की, ये उंगली कैसे टूट गई? तो उन्होंने कहा तुमने यदि लगाया था। तो मतलब अगर जरा सा भी डाउट है तो उंगली टूटेगी, फिर हमको दंड मिलेगा। और हमारा तो बिल्कुल भी विश्वास ही नहीं है, ऊपर से खाली कहते रहते भगवान है भगवान है भगवान है, किंतु प्रहलाद महाराज का कैसा विश्वास है? सामने कौन बैठा है? सामने बैठा है जिसको कोई मार ही नहीं सकता है, ब्रह्मा जी की सृष्टि में जानते हैं वो, और प्रहलाद महाराज के पास में कोई सेना नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन भगवान के ऊपर विश्वास है, रक्षिष्यति इति विश्वास है। इसलिए क्या बोला श्रवणम कीर्तनम विष्णु, तुम कुछ नहीं कर सकते, भगवान रक्षा करें। और बस ये सुनते ही तो उसने उठा करके वहीं से सिंहासन से ऊपर से फेंक दिया और दैत्यों को आदेश दिया जाओ मारो इसको। उन्होंने सारे प्रयास कर लिए, सुनाओ थोड़े और थोड़ा पानी बंद करें।
सारे प्रयास कर लिए, सारे प्रयास कर लिए, जब मार नहीं पाए, देखो अब बताया जो कि देखो भगवान के भक्तों में और असुरों में क्या अंतर है। जिसको भगवान के प्रति श्रद्धा है, कहाँ हिरण्यकश्यपु ने खुद वरदान लिया था, न दिन में मरू, न रात में, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न किसी प्रकार से ब्रह्मा की सृष्टि में कोई नहीं मार सकता, ऐसा हिरण्यकश्यपु हृदय में डर गया। इसके पास कौन सा बल है? मैं इतना प्रयास करता हूँ कि अपने आप को अपनी शक्ति से बचा लेता है, और मैंने जो जो इसके साथ में किया इसको भूलने वाला नहीं है, क्या करूं मैं? चिंता में पड़ गया। और दूसरी ओर प्रहलाद महाराज की उम्र है 5 साल, उनके पास कोई बल नहीं है, उन्होंने कोई तपस्या नहीं की, लेकिन भगवान पे विश्वास है, इसलिए निश्चिंत होकर के, निसंकोच होकर के खड़े। ये भगवान के भक्तों का गुण, जिसकी भगवान में भक्ति उसके अंदर ऐसे गुण क्यों नहीं होंगे? और दूसरी ओर जो विषयी लोग हैं, ऐसे बहिर्मुख लोग, उनके अंदर ये महत्वगुण कहाँ से आएंगे? आ ही नहीं सकते। कितना भी इतना वरदान, अमर जैसा वरदान प्राप्त करके भी डर रहा है, और दूसरी ओर प्रहलाद महाराज को कोई वरदान नहीं है, फिर भी निर्भीक खड़े हुए। ये भगवान के भक्त और दूसरे लोगों में अंतर। तो फिर संडोर अमर ने समझाया, फिर से उनको वापस ले गए। वहां जब वापस ले गए तो एक दिन जो गुरु हैं वो दोनों कहीं गए हुए थे काम से, और प्रहलाद महाराज ने सारे असुर बालकों को बुलाया, कहते अरे तुम खेल कूद में क्यों टाइम वेस्ट करते हो? सुनो, सुखम ऐन्द्रिकम दैत्या दे योगेन दे नाम सर्वत्र लभ्यते देवा देता दुखम अत्यंतम। कि देखो दैत्य बालको, सब जगह सब योनियों में सुख अपने ही प्राप्त, अपने ही आपसे प्राप्त हो जाते हैं, जैसे दुख भी अपने आप प्राप्त होते हैं। हम कोई कोशिश करी आज तक किसी ने? मुझे रोग लग जाए, मुझे चोट लग जाए, मेरा एक्सीडेंट, किसी ने आज तक प्रयास किया? अपने आप ही होता है। उसी प्रकार से वो ठीक भी हो जाता है और सुख भी आ जाता है। इसके लिए तत्प्रयासो न कर्तव्यो, इसके लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं है। यत आयुर्व्यपरम, उसमें आयु नष्ट ही हो रही है। और बताया कि देखो जब हमारा जन्म होता है 10 साल तक तो खेलकूद में ही चला जाता है, उसके अगले साल जो है 10 साल वो पढ़ाई इत्यादि में निकल जाते, फिर विवाह इत्यादि कर लेते, नौकरी इत्यादि में चला जाता है। अंतिम के जो 20 साल है वो तो बुढ़ापे में ना कुछ कर सकते हैं, ना बहुत से लोग तो यहाँ वृंदावन भी नहीं आ सकते। अब बद्रीनाथ केदारनाथ की महाराज जी ने बात बताई, वहाँ चढ़ने के लिए हमको पता है, हम गए थे वहाँ केदारनाथ में, 14 किलोमीटर की ऐसी चढ़ाई है कि चढ़ ही नहीं सकते, तो क्या भजन करेंगे? इसलिए प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, इसलिए अभी से हमारा आचरित प्राज्ञ धर्मान भागवतानी दुर्लभम मानुष्यम जन्म तदप या ध्रुवम अर्थतम, अभी कुमार अवस्था से ही भजन प्रारंभ करो। जो अपनी सबसे श्रेष्ठ एनर्जी है वो भगवान की सेवा में लगाओ। हम भगवान की सेवा में, ठाकुर जी की सेवा में सड़ा हुआ सेब लगाते हैं, सड़ा हुआ केला लगाते हैं, तुम्हारा शरीर जब सड़ जाएगा, रोग लग जाएंगे 50 प्रकार के, और उससे झुक जाएंगे, यहाँ से देखा नहीं जाएगा, तब लगाएंगे उसे। इसलिए प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, इस प्रकार से जब संडोर अमर आए और उन्होंने देखा, अरे इसने तो अपने साथ साथ सारे बालकों की बुद्धि बिगाड़ दी, तुरंत जाकर के हिरण्यकश्यपु को बताया। हिरण्यकश्यपु को बड़ा क्रोध आया, और उसके बाद में हिरण्यकश्यपु ने फिर पूछा, अरे तेरी इस प्रकार से मति क्यों है, इसकी मति किसने बिगाड़ी है? तो उनके जो गुरु हैं संड और अमर, उन्होंने बोला कि क्या करें, इसकी मति किसी ने बिगाड़ी नहीं, इसकी तो नैसर्गिक मति अस्य राजन, इसकी तो स्वाभाविक मति है विष्णु में, इसको कुछ बोलना ही नहीं पड़ता है, अपने आप ही उसका ही भजन करता है। तो फिर संड और वो हिरण्यकश्यप पूछ रहा है कि अच्छा तेरी मति ये किस कैसे लगी इसमें भगवान में? तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं 3 श्लोकों में उपदेश है, उसके बाद में वाणी को विराम दूंगा। मतिर न कृष्ण परता स्वतो वा, बड़ी सुंदर शिक्षा है। मितो अभिपद्येत गृहवृता नाम पदांत गोविर विस्तान तमिश्रम पुनः पुनः सर्वे सर्वणा नाम। हे राजन सुनो, जो मति है भगवान में वो कभी भी, जो विषयी लोग होते हैं, हम लोग देखते हैं बहुत सारे लोग सारे दिन विषयों में डूबे रहेंगे, थोड़ा इधर उधर से गीता वीता पढ़ लिया, उसके बाद साधु को उपदेश देना शुरू कर, साधु को उल्टा उपदेश देते। तो कह रहे ऐसे लोग जो विषयी हैं, गृह अंध हैं, उनके द्वारा कभी भी उपदेश देने से कभी भी भगवान में मति नहीं लग सकती। इसलिए जिससे कथा सुनते विचार करो, टीवी में बहुत सारे लोग सबकी कथा सुनते हैं, उनको देखो तो सही वो पहले कैसे हैं, उनका आचरण जा करके देखो। अगर वो घर में खुद डूबे हुए हैं, पैसा कमाते हैं भागवत करके, और उसके द्वारा गाड़ी बंगला घर परिवार बीवी बच्चों के लिए काम करते हैं, उनके द्वारा लाख कोशिश करें, मैं नहीं कह रहा ये प्रहलाद महाराज कह रहे हैं भागवत में वर्णन, कभी नहीं लग सकती। पर तब स्वतः अपने आप कह, तो मैं खुद पढ़ लूंगा शास्त्र, बहुत सारे ऐसे लोग हैं बहुत ज्यादा,
क्यों भागवत खुद ही पढ़ने के साधु के पास जाने की जरूरत, स्वतः कभी नहीं लग सकती। मैं तो दोनों परस्पर कितनी भी चर्चा करें नहीं लग सकती, क्यों अदांत गोविंद विस्तान कमिश्रम, उनकी इंद्रियां तो अनकंट्रोल्ड हैं, वो खुद ही अपना उद्धार नहीं कर सकते, तो दूसरे की मति क्या भगवान में लगाएंगे। तो श्री रंग कश्यप ने पूछा, तो अच्छा ये बता कि ये बात तुम्हारे गुरुजनों को क्यों नहीं पता है, इन्होंने तो सारे शास्त्र पढ़े। प्रहलाद महाराज ने कहा, नते विदो स्वार्थ गते में विष्णु दुराशयाय भैरर तुमाने सब अंधा यथांधे उपने मानस्ते अपीश तंत्रयाम उल्दान बद्धा, कि ये लोग कभी नहीं जान सकते कि विष्णु ही एकमात्र स्वार्थ गति है। क्यों? क्योंकि इनको आपसे सम्मान चाहिए, आपसे धन चाहिए, आपसे राज्य चाहिए, कि मैंने राजा के बेटे को पढ़ाया, राजा मुझे ये संपत्ति दे दे। ऐसे लोगों के द्वारा क्या इनको खुद ही नहीं पता चलेगा कि विष्णु स्वार्थ गति है, तो दूसरों को क्या सिखाएंगे। तो फिर हिरण्यकश्यप को पूछता है, तो फिर मति लगने का कृष्ण में क्या उपाय है? तब बताया, नैसाम मतिस्तावत रुद्रमांगरी स्पृशति अनर्थाप गमो यदर्थ महिषाम पाद जो विषेकम निष्किंचन आनानी त्याग। जब तक निष्किंचन साधुओं की चरण धूलि में अभिषिक्त नहीं होते। निष्किंचन किसको कहते हैं? निष्किंचन कहते हैं जिसने एकमात्र कृष्ण को ही अपना सब कुछ मान रखा है। उसके पास पांडवों की तरह सारे भारत की संपत्ति हो सकती है, अम्बरीश महाराज की तरह वो एक छत्र राज्य हो सकता है, या फिर सुदामा की तरह गरीब भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, किंतु जिस हृदय से कृष्ण को ही अपनी संपत्ति मानता है उसको निष्किंचन साधु कहते हैं। इसलिए निष्किंचन साधुओं की चरण धूलि में उनकी जब सेवा करोगे तब जाकर के कृष्ण में मति लगेगी। तो हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आ गया, कहता है, अरे तू किसके भक्त, मेरे को जानता नहीं, अगर मैं भृगुटी टेढ़ी कर दूं तो देवता भी कांपने लगते हैं, तू किसके बल से बलि होकर के इस प्रकार से मुझसे उल्टी सीधी बातें करता है। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, न केवलम न बलम में केवलम राजन सबई बलम परिणाम चापरे था। अरे राजन, मैं उसके बल से ही बलि होकर के बोल रहा हूँ जिसके बल से आप भी बलि हैं। आप तो सोच रहे हैं मैंने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया, ब्रह्मा जी की कोई शक्ति नहीं है। इसलिए प्रहलाद महाराज ने अगली लाइन में बोला, ब्रह्मा जी भी उनके बल से ही बलि हैं, और यहाँ से स्थिर जंगम जो कुछ भी है वो उनके ही बल से बलि है, मैं किसी के बल से बलि नहीं, मैं भी कृष्ण के बल से ही बलि हूँ। और आप अपने आप को बलि मानते हो लेकिन वो बल भी उनका ही है, इसलिए आप तीनों लोगों में ऐसे डंका पीट रहे हो। इस प्रकार से जब प्रहलाद महाराज ने निर्भय होकर के बोल दिया हिरण्यकश्यप ने, अच्छा अच्छा ठीक है। तो इस प्रकार से प्रहलाद महाराज ने इतना सुंदर शिक्षाएं दी, इतना सुंदर चरित्र है उनका, कि जो भजन करते हैं उनके जीवन में कैसी कैसी बाधाएं आती। देखो हमको तो कोई मारने के लिए प्रयास भी नहीं करता, थोड़ा बहुत गाली गलौजी तो देते हैं, घर वाले थोड़ा डांट पीट लग देते, लेकिन उनको तो मारने के लिए सारी चेष्टाएं कर डाली, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी भी भगवान के भक्ति का मार्ग को नहीं छोड़ा। ये सबसे बड़ी शिक्षा है। प्रहलाद महाराज की आवाज में आनंद नहीं है, बस भगवान श्री नृसिंह देव की। अभी प्रभु जी कैसे नृसिंह देव प्रकट हुए और क्या उनका विकराल रूप था, कैसे उन्होंने हिरण्यकश्यप को बध किया, हमारे श्री श्यामानंद प्रभु उसकी कथा सुनाई। ओम अज्ञान तिमिरा नश्य ज्ञानान्य नश्वादया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै शिवगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य दयाल प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य शिवोर्वशिष्टवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्यों भक्ति विदान श्री गुरु गोस्वामी गुरु महाराज जी चरण में साष्टांग नमन प्रणाम करके उनका हेतु कृपा वंश करता हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव रूपानंद गुरुपाद पद्म सोपान से सफल कर जगत गुरु प्रभुपाद और नित्यानंद उपस्थित समस्त वैष्णववृंद 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 भक्तवृंद समस्त जगन्नाथ गुरुदेव का आदेश है कि प्रकार प्रकट हुए।
अभी अभी हम पहले बद्रीनाथ प्रभु के मुखारविंद से श्रवण कर रहे थे कि प्रहलाद महाराज के जीवन में बहुत सारी शिक्षा है जिसको 10-15 मिनट में नहीं हो सकता, उसको तो 10-15 साल भी कम ही हो जाएगा। कोई अगर 10-15 साल भी उसको श्रवण करे ना, उसके लिए तब भी वो कम हो जाएगा। तो बता रहे कि इसी प्रकार जैसे हिरण्यकश्यप पूछता है, रे मूर्ख तुम्हें इस प्रकार का बुद्धि कौन देता है? तो अभी प्रभु जी बता रहे कि नैसर गति मति यति राजन, कि हे राजन इस अंधर अमर को कन्ने यानी कौन ना बैल, अमर के यानी अंधकार, बैल यानी हर समय जिसको कुछ ही बुद्धिहीन, और अंधकार जो खुद में ही अंधकार में पड़ा हुआ है वो दूसरों को कैसे उज्जवलित कर सकता है? तो बता रहे हैं ये संड और अमर कब ये हर समय भोग वृत्ति में लिप्त रहते हैं। तो बता रहे हैं कि हम भी इस प्रकार का ज्ञान पहले बार ही सुन रहे हैं, क्योंकि जो जागतिक लोग हैं इसमें शिक्षा बता रहे हैं कि जो जागतिक लोग हैं वो भी हर समय क्या करते हैं, जो कृष्ण की कथा सुनते हैं वो भी उनको हर समय वो नहीं नहीं लगता है, उनकी भी बुद्धि उसमें लग नहीं पाता। तो बता रहे हैं ये तो हम भी सुन रहे हैं, इसका जो बुद्धि ये लग रहा है विधाता ने पहले से ही इसका बुद्धि ऐसे कर रखा है, नहीं सर के निरंतर रूप में इसका ये क्रिया है। तो इसी प्रकार जैसे ही हिरण्यकश्यप ये सब बातें सुनता है तो पूछता है कि तुम्हें कहाँ से इस प्रकार का बल प्राप्त हुआ? तो बोलते हैं कि मेरे जिस प्रकार आपको बल प्राप्त हुआ है ये मत सोचना कि आपके जो वरदान दिए हैं ब्रह्मा ने वरदान दे दिया और आप बलियान हो गए, ये मत सोचना। ब्रह्मा जी को भी जो बल देने वाले और अनंत कोटि ब्रह्मांड जिससे सृष्टि हुआ है, जिसको पूरा अपने सारे बल के माध्यम से भगवान क्या करते हैं संतुलित करते हैं, उनसे ही मेरे उनके ही मैं वो ही मुझे रक्षा करते हैं। अब इतने सुनकर तो गुस्से में आ गए और बताओ बोलते हैं कि तुम्हारे देखता हूँ अभी तुम्हें रक्षा करने वाला कहाँ है, बोले तुम्हारे भगवान कहाँ पे है? तो बोलते हैं सर्वत्र हरि विद्यमान, हर जगह पे मेरे भगवान का हर कोण कोण पे हर कण कण पे भगवान विद्यमान है। तो बता रहे हैं कि उसी प्रकार जैसे ही बोला कि कण कण में विद्यमान है तो सामने एक खंभा था, तो बता रहे हैं कि इस स्तंभ में भी तुम्हारा भगवान विद्यमान है क्या? तो प्रहलाद महाराज जी बोले हाँ स्तंभ में मेरे विद्यमान है मेरे ठाकुर। तो भयंकर रूप गर्जन करते हुए उसने क्या किया, गदा उठाया और दौड़ते हुए सिंहासन से उठते हुए गदा को जैसे करके प्रहार किया वो खम्भ फट गया और खम्भ फट हो गए, वहां पे भयंकर रूप धारण करके भगवान नृसिंहदेव प्रकट हो गए। ब्रह्मा स्तुति करने लगे, उद्यत बंद्य दिखि न झटित झटाचाट नाद्यं स्फटान अनन्यं दष्टा दष्टा रड रड नरडो डंबरो डंबराट्यं झंग 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 झंक झंक झमझमा झंक झंकार घोरम पायत काल किलित किलिकिला चक्र हस्तो नृसिंह। भयंकर रूप में धारण करते हुए भगवान नृसिंह देव प्रकट हो गए, 10 नख था उनका और शरीर ऊपर के जो शरीर उनका शेर जैसा और नीचे के शरीर मनुष्य जैसा, जिस प्रकार एक बिल्ली चूहा को झपट करके ले जाता है उसी प्रकार भगवान ने कुछ समय तक तो उसके साथ युद्ध किया और युद्ध करने के पश्चात उसको क्या किए झपेट करके ले गए। अब जैसे ही ले रहे हैं ये सोच रहे हैं अभी भी ये मूर्ख क्या सोच रहे हैं कि मुझे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है, ब्रह्मा जी मुझे वरदान दिया है, बहुत सारे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, ना ऊपर मरू ना नीचे मरू ना बाहर मरू ना भीतर मरू ना आगे मरू ना पीछे मरू, तो इस प्रकार ना ब्रह्मा के सृष्टि में किसी से भी नहीं मरू और जो 12 महीने में नहीं मरू, इतना सारा वरदान दे दिया था ब्रह्मा जी ने। सोच रहा था कि मैं अजर अभय और अमरत्व को प्राप्त कर गया, लेकिन भगवान ने उसको झट करके उठा करके सारे जितने ब्रह्मा जी का वरदान को फेल करते हुए भगवान ने उसको उठा करके ले गए, पूरा का पूरा उसको उठा के द्वार पे ले गए। और जैसे द्वार पे ले जाते हैं तो ये हंसने लगता है भगवान को, क्यों रहा? तो वहां पे बता रहे हैं कि देखो मैं बहुत सारे वरदान प्राप्त कर रखा हूँ। तो भगवान बोलते हैं क्या वरदान है, ना बाहर मरो ना भीतर मरो। भगवान ने उसको द्वार पे खड़े करते बोल बाहर है क्या, नहीं भीतर है क्या, नहीं। फिर उसके पश्चात बोलते हैं मैं स्वर्ग मरते पाताल किसी भी स्थान पे नहीं मरता। भगवान तुरंत बैठ गए और अपने गोदी में बिठा ली, ऊपर अपने जंगे के ऊपर बिठा ली, बोल रहे हैं कि देखो ये तुम्हें पाताल जैसा लग रहा है, नहीं। स्वर्ग जैसा लग रहा है, नहीं। और मरते जैसा महसूस हो रहा है, नहीं। इसके पश्चात भगवान ने बोले कि और क्या वरदान है? तो उसने बोला देखो ना दिन में मरू ना रात में, भगवान मुझे संध्या का ना दिन है ना रात। बोलो।
गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 नरसिंह भगवान की। अब बता रहे हैं कि देखो ना, ब्रह्मा के किसी भी मनुष्य में, ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं मरूंगा। भगवान बोल रहे ब्रह्मा तो मुझसे ही सृष्टि होते हैं, एक ब्रह्मा ने अनंत कोटि ब्रह्मा मुझसे सृष्टि होते हैं। तो वह बता रहे हैं कि देखो मैं अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से मरूंगा। भगवान बोले उसका भी व्यवस्था कर रखा हूँ। बोले मैं 12 महीने भी नहीं मरूंगा। बोले ये पुरुषोत्तम मास अधिमास है, ये 12 महीने के अंतर्गत नहीं है। तब इतने में पूरा सारे वरदान को नष्ट करते हुए भगवान ने उसको क्या किया, भयंकर रूप में विदारण कर दिए और उनके शरीर के जितने भी चर्म चक्षु था, जितने भी अंत का नली था, उसको अपने गले में धारण कर लिया और इतने विकटाल रूप था। देवता स्तुति करने लगे, देवता जयकार करने लगे, पुष्प वृष्टि करने लगते हैं और इतने भयंकर रूप देख के सबको डर डर कांप रहे हैं। ब्रह्मा शिव जी सबके सब जितने भी दीपपाल गण थे, एक एक श्लोक में बस डर डर की स्तुति किए, भय से स्तुति किए, उनके मुख से कुछ निकल ही नहीं रहा है, फिर भी भगवान प्रकट हो गए, स्तुति करना पड़ेगा। एक एक श्लोक में वहां पे श्रीमद् भागवत जी ने स्तुति किया। फिर अंतिम में लक्ष्मीदेवता बोलते हैं लक्ष्मी जी के पास चलते हैं, प्रभु तो शांति नहीं हो रहे। और लक्ष्मी जी के पास गए तो लक्ष्मी जी पूरा अपने कलर उठा के बोलते हैं मैं अपने प्रभु को नहीं जानता। अर्घ्य थाली लेके लक्ष्मी प्रकट हो गई और प्रकट हो गए। जैसे ही ठाकुर के सामने जाते हैं तो ठाकुर इतना दूर से, इतना तेज से भयंकर गर्जन करते हैं, ब्रह्मांड दंड रड़पि रड़रड़ो नसयतम डिम्पि 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 का सतीकम प्रचंड भयंकर नृसिंह रूपम। बता रहे इतने भयंकर रूप में दर्शन दिया ब्रह्मांड पुराण में बता रहे। तब लक्ष्मी एक एक जैसे ही देखते हैं भगवान के स्वरूप को, एक छलांग लगाकर सीता वैकुंठ में बोली ये मेरा प्रभु नहीं हो सकती, कहां मेरे प्रभु कमल नयन, कहां शांत स्वरूप, ये तो पूरा किसी अलग ही लग रहे हैं। और लक्ष्मी जी भी जैसे चले गए तब इंद्रादि देवता नारद जी आदि सब लोग बोले कि हे प्रहलाद आपके लिए भगवान प्रकट हुए हैं। सत्यम विधातु निज भृत्य भातितम व्याप्तिर्च भूतेषु अखिलेषु चात्मना। माने कि भृत्य के जो बात है, प्रहलाद महाराज जी के जो भक्त के बात को सत्य करने के लिए, सत्य साबित करने के लिए और कण कण में हरि सर्वत्र विद्यमान है इस बात को प्रमाणित करने के लिए और ब्रह्मा जी के सारे वरदान को नष्ट करने के लिए, भक्त के रक्षा करने के लिए भगवान क्या किए, न स्तंभे सभाया न मुगम न मानुषम, स्तंभ में प्रकट हो गए भगवान। तो इसी प्रकार तो वहां पे बता रहे हैं कि आप ही कृपा करके जाके वहां को प्रहलाद महाराज जी को बोले कि आप ही स्तुति करो। अब जैसे ही प्रहलाद महाराज जी जाते हैं, धीरे धीरे जैसे प्रहलाद महाराज जी साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं, नमस्ते प्रभु तुम ही पाद पंकजम, हे प्रभु तुम्हारे चरण में प्रणाम करके स्तुति करते हैं, तब वहां पे भगवान ने प्रहलाद महाराज जी को अपने गोदी में बिठा लिया। अब गोद में बिठा करके जिस प्रकार एक शेर, एक पशु, एक शेर जिस प्रकार वात्सल्य प्रेम देते है कैसे चाट चाट करके, उसी प्रकार यहाँ पे श्री प्रहलाद महाराज जी को भगवान चाट रहे हैं और उसी वात्सल्य प्रेम प्रदान कर रहे हैं। और यहाँ पे भगवान को प्रहलाद महाराज जी ने बड़े सुंदर सुंदर रूप में वहां पे स्तुति करते हैं और स्तुति करने के बाद भगवान बड़े प्रसन्न हो गए और बोलते हैं कि हे प्रहलाद वरम प्रिया वर मांगो, मैं बड़े प्रसन्न हूँ। तो बता रहे हैं कि हे प्रभु, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि जदीरा सिर में कामान बरस पाम बरदार सबम कामानम हृदय संग्रोहम भवस्तु स्तुभृणे वरम। कि हे प्रभु आप अगर वरदान देना चाहते हो, यदि राशि में कामन हे बरदार सब, यहाँ पे एक शिक्षा वाला बात बता रहे हैं, बरदार सब बर देने में भी श्रेष्ठ है। प्रभु आपने तो ब्रह्मा ने इसको तो बर दिया लेकिन सारे बर को आप क्या किए, नष्ट करके हुए इसका वध कर दिया, ऐसा बर का क्या आवश्यक है। लेकिन हे प्रभु आप तो बर देने में भी जो श्रेष्ठ हो,
आप जिसको अगर एक बार रक्षा करने के लिए आप एक बार ठान ले तो उसका बिना रक्षा करे आप कभी पीछे नहीं हटते। ब्रह्मा देव जी भी भाग के चले जाते हैं। बाणासुर वाला चरित्र आता है, उसमें प्रसंग आता है कि शिव जी ने बाणासुर को वहां पे वरदान दिया था कि हरसंग उसका रक्षा करेंगे, फिर भी उसका बल को भगवान ने नष्ट कर दिया, शिव जी को मूर्छित कर दिया। तो बता रहे कि हे बरदर्शव, आप वर देने में भी श्रेष्ठ हो। आप अगर वर दाना चाहती हो कि हृदय कामना, मेरे हृदय में जो कामना मांगने का जो इच्छा है उसको पहले नष्ट कर दो, क्योंकि जीव के हृदय में जब तक ये मांगने का इच्छा रहेगा ना, एक चीज तो मांग लेगा, मांगने के बाद वो अगर पूरा हो जाएगा ना, उसमें कभी जीव शांति नहीं हो सकता, उसमें तृप्त नहीं हो सकता, क्योंकि ये दुखालय अथातम है, इसको लेके वो सुख प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए अगर आप वर देना चाहते हो तो कृपा करके उस मांगने का कामना को भी नष्ट कर दो। भगवान तो बड़े प्रसन्न हो गए, इतना प्रसन्न हो गए, और वहां पे प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, प्रभु मेरे इस पिता ने बड़े पाप आचरण किया है और इस मूर्ख ने आपको विष्णु शत्रु यानी हिरण्याक्ष अपने भाई के बदला लेने के लिए इसने 60,000 वर्ष तक अपना तपस्या करके पूरा समय को नष्ट कर दिया। कहां 60,000 वर्ष हिरण्यकश्यप तपस्या किया और 5 साल में वध हो गया। हिरण्यकश्यप की तपस्या 60,000 साल और यहाँ पे प्रहलाद महाराज का भजन 5 साल, तो 60,000 साल का कितना समय और 5 साल का कितना समय, 5 साल में भगवान नष्ट कर दिया उस सारे तपस्या का फल, 5 साल में नष्ट हो गया। तो बता रहे हैं कि ये अपने बहुत सारे समय को व्यर्थ कर दिया और आपके ऊपर द्रोह किया, इसलिए प्रभु आप उसके ऊपर कृपा करो, मेरे पिता के ऊपर कृपा करो। तब भगवान ये नृसिंहदेव बता रहे कि त्रिसप्त भी पिता भूत उसका क्या होता है ना, उद्धार हो जाता है। किसका उद्धार हो जाता है, साधारण लोग नहीं बता रहे कि जस्य गृह साधु जातो, जिसके गृह में केवल साधु जन्म ले लेते हैं, जिसके घर पे केवल साधु जन्म ले लेते हैं, उसका क्या होता है 21 पीढ़ी उद्धार हो जाता है। और बता रहे हैं कि जो कनिष्ठ भक्त हैं उनका 7 पीढ़ी, जो मध्यम भक्त हैं उनका 14 पीढ़ी, और उससे भी जो उत्तम श्रेणी के जो भक्त हैं उनका 21 पीढ़ी, उनके गृह के सारे 21 पीढ़ी ऐसे ही कुल में जन्म, जिसके कुल में एक भगवत भक्त एक वैष्णव अगर जन्म ले जाते हैं उसको कुल के साथ, उसको पूरा का पूरा माता पिता परिवार के साथ नित्य धाम में जाते हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण जिस समय ध्रुव महाराज जा रहे थे, कल हम कथा श्रवण कर रहे थे, तो पूछा कि मेरे माता जी तो बता रहे हैं विष्णु पार्षद कि तुम्हारे माता जी तुमसे पहले जा रहे हैं, तो बता रहे 21 पीढ़ी उद्धार हो जाते हैं। इसी प्रकार भगवान प्रहलाद महाराज जी, यहाँ पे प्रहलाद महाराज जी बहुत काल तक प्रहलाद महाराज जी राज्य शासन किया और नित्य धाम में गए और भगवान के नित्य सेवा में फिर संयुक्त उपयुक्त हो गए। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि श्री नृसिंहदेव के चरित्र में तो बहुत बहुत शिक्षा है, बहुत बहुत शिक्षा है, लेकिन जो अंतिम में जो शिक्षा बता रहे, जो अंतिम के गुरु बात में इस बात को उस समय बोला करते थे कि एक कुल में अगर कोई भजन करने के लिए जाते हैं तो उसको हर प्रकार का बाधा विघ्न आता है, हर प्रकार का विपत्ति आता है। बता रहे हैं नृसिंहदेव की जो चरित्र है उसमें बता रहे प्रहलाद महाराज के जीवन में इतना बाधा विघ्न आया, 20 तक भी पान करवाया उनको, और यहाँ तक कि कितने कितने भयंकर दंड दिया, लेकिन भगवान हर समय उनको क्या की, भगवान उनको विशेष करके रक्षा की। इसीलिए अगर अवश्य राखी हुए कृष्ण विश्वास पालन, अगर हमारे हृदय में भी इस भाव कभी गुरुपाद पत्रों की कृपा से आ गए कि हमारे जो रक्षा करेंगे वो हर समय क्या भगवान गुरु वैष्णव हमारे हर समय रक्षा करता है, ये अगर हृदय में जागृत हो जाए तब तो भगवान मिलने में और देर नहीं। तो इसी प्रकार से नृसिंहदेव का चरित्र है, बोल नृसिंह भगवान की जय, बोल श्री प्रहलाद महाराज की जय, वांछा तुम दृश्य पाश बोल भगवान नृसिंहदेव की जय। हमारे जोगीलाल प्रभु जी जिनके आकाशवाणी में भजन आती है, ये आपको एक सुंदर भजन सुनाएंगे। देखो जो कल है भागवत कथा की चौथा दिन है और चौथा दिन में भगवान की कृष्ण चंद्र जन्म ग्रहण करते हैं, इसलिए कल बड़ी धूमधाम से हम लोग
नंद के आनंद भयो जय कन्हैया हर जोर जोर जय कन्हैया कल बड़े धूमधाम से भगवान दर्शन देती भगवान कृष्ण चरित्र की कथा श्रवण करके भगवान कृष्ण जैसे प्रकट हुए हैं। और कल है हम तो जब बाहर जाते हैं कहते बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन कर जाना, विशेष करके पीले पीले रंग की कपड़ा हो पीला रंग की, अगर वो तो मुझे लगता है यहाँ पर सब वृंदावन में सब के सब यहाँ ब्रजमंडल परिक्रमा करने के लिए, अगर हो तो पहन करके आना, नहीं तो कोई बात नहीं। क्योंकि जब मैया यशोदा गर्भ धारण की छह महीना पहले ब्रज गोपियाँ 84 गज के लेहंगा और सुंदरी बना करके रखी, और जितने ब्रजवासी थे बड़े सुंदर धोती बगलवती पगड़ी बना करके रखती, जब नंद के लाला होगा हम सबके सब पहने करके जाएंगे और बड़ी धूमधाम से मैया यशोदा नंद बाबा का स्वागत करेंगे। श्री नंद के लाला की आते हैं यहाँ ना हम निकाले
Thank you.
के हम
करने से सभी का भक्ति अपने आप हो जाता है। इसलिए श्री जीव गोस्वामी कहते हैं, जैसे कृष्ण जैसे सर्वश्रेष्ठ है, बोले कृष्ण का नाम भी सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए शंकर पार्वती की संवाद आती है, एक समय माता पार्वती शंकर जी से प्रश्न करते हैं, बोले भोले बाबा बताओ हमें किसकी नाम लेनी चाहिए। बोले आराधना नाम सर्वेशां विष्णुं आराधनां परम। जितने आराधना में भगवान विष्णु की आराधना सर्वश्रेष्ठ है। जब माता पार्वती विष्णु के नाम लिया करती थी, कुछ दिन बाद में बोले पार्वती ये विष्णु नाम से भी एक श्रेष्ठ नाम है। बोले ये कौन सा नाम है। बोले राम रमेति रमेति रम रमे मनोरमे सहस्र नाम अभिस्तुल्यम् श्री राम नाम बरानने। बल्कि 1000 विष्णु नाम लेने से जो फल की प्राप्ति होती है, अगर किसी ने एक बार श्री राम का नाम ले ले तो उसको वही फल प्राप्ति होती है। माता पार्वती दिन भर राम राम करती है। एक दिन शंकर जी फिर बुलाए, बोले पार्वती राम नाम से भी एक श्रेष्ठ नाम है। बोले कौन सा नाम है। बोले सहस्रा नाम नाम पुण्या नाम विष्णु सहस्र नाम को जो 3 बार कर ले, एक बार अगर श्री कृष्ण नाम कर ले तो एक कृष्ण नाम के समान 3000 विष्णु नाम और उसमें 3 राम नाम लेने का फल मिलता है। अभी माता पार्वती दिन भर कृष्ण कृष्ण कहते हैं। एक दिन शंकर जी बोले पार्वती आज एक बहुत बड़ी रहस्य बात बताऊंगा, बल्कि कृष्ण नाम से भी एक श्रेष्ठ है। बोले आप भी तो बता रहे थे कि कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है, फिर आप बता रहे हो ये कृष्ण नाम से भी एक श्रेष्ठ नाम। बोले मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, ये कृष्ण चंद्रमा को बोले। बोले क्या बोले।
बोले मम नाम सतनापी राधा नाम साधुतमम जान करोति सदा राधा ना जाने महिमा कीमतम। कृष्ण कह रहे हैं चंद्रमा जो मेरे नाम को 100 बार लेते हैं, अगर एक बार श्री राधा रानी का नाम ले ले, एक राधा रानी का नाम कृष्ण का 100 नाम के साथ में बराबर। पार्वती बोली प्रभु दिन भर में राधे राधे बोले और कुछ भी नहीं बोले। बोले पार्वती इसमें भी एक रहस्य। बोले और फिर क्या रहस्य है? बोले अगर बोले राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधा जी का नाम से राधा रानी खुश नहीं होती, वो बिहारी जी खुश होते हैं, लेकिन बिहारी जी का नाम से राधा रानी खुश होती है। बोले प्रभु आप तो बड़े चक्कर में डालते हैं, अभी बताओ कृष्ण कृष्ण बोले ना राधे राधे बोले। बोले दोनों का ही नाम लिया करो, ये जो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। बोले ये नाम को तुम रखा करो। बोले इसमें राधा राधा का नाम कहाँ है? ये तो खिचड़ी जैसे राधे राधे अरे अरे, राम राम ये तो खिचड़ी, उसमें राधा जी का नाम क्या कहाँ है? बोले जो हरे शब्द है इसका मूल शब्द हरा, ये संबोधन में हो जाते हैं हरे मतलब हे राधिके, कृष्ण मतलब कृष्ण, हरे कृष्ण मतलब राधे कृष्ण, फिर हरे राम ये हरे मतलब क्या? राधा रानी। अब राधा जी को साथ में राम थोड़ी रहेंगे, राधा जी को साथ में श्री श्याम ही रहेंगे, इसलिए यहाँ पर जो राम शब्द है राधा रमयते इति राम, और राधा जी को साथ में रमण करते हैं, इसलिए कृष्ण का एक नाम राम नाम राम है। इसलिए जो महामंत्र है ये संपूर्ण रूप में जुगल मंत्र राधा कृष्ण का ही ये नाम है, क्योंकि जो इष्ट है वो इष्ट कभी दो नहीं होते हैं, वो इष्ट केवल एक होते हैं। जैसे जो भगवान जो राम जो इष्ट है ये किसी रामानंदी संप्रदाय में ये मंत्र किसी को नहीं दिया जाती, उसमें तो राम जी को उपासना का मंत्र देते हैं, ये मंत्र केवल ये गौड़ीय वैष्णव में ही ये नाम को देते हैं। इसलिए ये नाम को ऊपर में जीव गोस्वामी इसकी 16 तरह का मीनिंग बताए, गोपाल भट्ट गोस्वामी उन्हें 16 तरह का मीनिंग बताए, श्री भक्ति विनोद ठाकुर उसको 16 तरह का नाम बताए, और श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी कहते इन लोगों ने जीव गोस्वामी 16 तरह का मीनिंग बताए, इसकी 64 तरह का मीनिंग बताए। ये हरे का मतलब किया, कृष्ण का मतलब किया, हरे शब्द का तो उन्होंने 32 तरह का मीनिंग बताया, राम शब्द का तो 32 तरह का, और कृष्ण शब्द का तो उन्होंने 32 तरह का उन्होंने मीनिंग बताया अद्भुत रूप में। अगर इसको आप जानना चाहते हो, हमारे महाराज जी एक महामंत्र बोल करके उन्होंने एक ग्रंथ निकाला है, हमारे गोस्वामियों ने श्लोक के माध्यम में ऐसे नहीं वो श्लोक दे करके, इसलिए ये कलिजुग का ये महामंत्र ये कलिजुग का, इसलिए हमें यही महामंत्र को कलिजुग में हमें जप करनी चाहिए। ये महामंत्र को द्वारा जो वस्तु प्राप्त होगा और किसी को द्वारा की वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती है। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय। अभी कृष्ण अभी रह रहे हैं कहाँ पर? हस्तिनापुर में। वो जब जब जाने के लिए तैयारी होते हैं द्वारका में, ये पांडव लोग कुछ ना कुछ बहाना बना करके ठाकुर को जाने नहीं देते। एक दिन माता कुंती भगवान की बड़ी स्तुति कर रही थी, बोले नमो पंकज नाभाय नमो पंकज मालिनी नमो पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजाग्रह। भगवान को सारे अंग को ये कमल को साथ में उदाहरण देते हैं। भगवान के शरीर में 8 कमल है, एक मुख कमल, 2 नेत्र कमल, 2 हस्त कमल, 2 चरण कमल और 1 नाभि कमल। भगवान के चरण में ये 8 कमल है। बोले ये कमल को साथ में क्यों उदाहरण दिया? बोले कारण है कमल जैसे देखने में बड़े सुंदर है, हमारे ठाकुर भी बड़े सुंदर है। इसलिए कहते हैं ना बांके बिहारी की देह के छटा मेरा मन है गयो लटा पटा। इसलिए कभी कभी गोपियां कृष्ण को ताना मारती हैं, बोले नंदलाला तू यदि हो तो लाली गला कटे जाती करुणा ने। अच्छा हुआ
तेरे को परमात्मा ने लाली नहीं बना कर लाला बना दिया। अगर तू लाली होती ना, विश्व ब्रह्मांड में तेरे को पाने के लिए पता नहीं कितने क्षत्रिय मर जाते, इतने कृष्ण सुंदर है। तो मैया कुंती एक बड़ी सुंदर सिद्धांत की बात बताती है, बोले कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कहते हे श्याम सुंदर, जगत में जो कृष्ण भक्ति करते हैं जगत में परम सौभाग्यवान, लेकिन उनसे ज्यादा सौभाग्यवान कौन? बोले वसुदेव महाराज, क्योंकि जगत पिता जगन्नाथ जी का जो पिता बने, बोले उनसे श्रेष्ठ, बोले देवकी मैया। बोले क्यों? विश्व ब्रह्मांड तो ठाकुर जी के गर्भ में, लेकिन ठाकुर जी को गर्भ में किसने धारण की? बोले सिर्फ देवकी माता ने। इसलिए माँ से पद पिताजी की ज्यादा सौभाग्यवान, बोले उनसे बड़े कौन है? बोले नंद गोप कुमाराय। कृष्ण तो मथुरा में प्रकट हुए हैं, लेकिन पल्ले में किसने झुलाया? इनकी अंगुली पकड़ करके उनको ठुमुक ठुमुक करके चलाना किसने सिखाया? इनको मक्खन किसने, दूध किसने पिलाया? बोले श्री नंद और श्री जसोदा। इसलिए उनसे श्रेष्ठ नंद और जसोदा। कहते उनसे श्रेष्ठ कौन है? बोले ये ब्रज गोपियां हैं, जिसको साथ में ठाकुर जी ये दिव्य रास लीला किया है। लेकिन उनसे श्रेष्ठ कौन है? ये गोपियां भी, जिनके चरण की पूजा करते श्रीमती राधा रानी। ये मैया कुंती बड़ी सुंदर सिद्धांत बताती है। जब मैया कुंती स्तुति कर रही थी, कृष्ण ने कहा बुआ जी मैं तो तुम्हारे भतीजा, तुम मेरी बुआ हो, तुताजी उल्टा गंगा बहा रहे हो। इसलिए इतने में मैया कुंती बोली लाला तेरे को समझना बड़ा कठिन है, कहाँ विश्व ब्रह्मांड है, तू मालिक हो, किसको बुआ किसको पिता किसको फूफा कितने चाचा बना दी, तेरे माया को समझना बड़ा कठिन। एक दिन गोकुल में भी तेरे माया को देखकर मैं स्वयं में चकित हो गई थी, जिस समय तुम्हें समय मक्खन चोरी की मटकी तुमने फोड़ी, इतने में मैया जसोदा दौड़ दौड़ कर तेरे को पकड़ लिया। अब पकड़ करके एक हाथ में डंडे और एक हाथ में पकड़ के रखी थी। बोले सही सही बता, ये मटकी फोड़ी किसने? बोले मैंने थोड़ी फोड़ी। बोले किसने फोड़ी? बोले तू जब दूध रखा करने जा रही थी, तुम जब प्यार में मोटे 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 कौड़ूले पहनी रखी ना, और उसके लग करके फट गई। बोले मैंने फोड़ी? फोड़ी तुमने मेरे नाम दे रहे। बोले बताओ ये कौ ये बंदर को खिलाया किसने? बोले जिसने बनाया उसने खिलाया। बोले तू बड़ा बदमाशी हो गया, लगता है तू चोर। बोले मैं चोर? नंदा बाबा साहूकार राजा का मैं बेटा, कृष्ण बचपन में सुना रखा था उनको के मामा जी का नाम चोर गौ। बोले तेरे घर में कोई चोर होगा? बोले बड़े पिताजी का घर में कोई चोर नहीं। बोले पता नहीं ये बात कहाँ से सीख गया है ये बात, लगता है तू बंदर का दोस्त। बोले छोड़ दे, मैं रहूंगा कहाँ पर, जंगल में बंदर का साथ में रहा करूंगा। बोले जिस समय मैया ने तेरे को पकड़ ली, उसी समय में बोले रोदंत मोर नेत्र जोग मृजंता करम भोजन योग मोर सा तो सिसक सिसक करके रो रहा था। मैया ने जो मोटी मोटी काजल लगा दी, तुम हाथ में मलते समय मन गंगा जमुना की धार बह रहा था कन्हैया, उस समय तो थरथर थरथर कांप रहा था। बोले मैया ये डंडे को फेंक दे, फिर मैं खड़ी हो जाऊंगा। बोले तेरे को थोड़ी मैं बांधूंगी, तेरे को मैं पूजूंगी। इसलिए कन्हैया मैं भी चक्कर में पड़ गई थी, जो काल का जो काल आज मैया जसोदा की डर से रो रही। कन्हैया तेरे को समझना बड़ा कठिन। कृष्ण ने कहा बुआ जी जब तू अपना बुआपन को तुमने स्थगित कर दी, आज मैं भातीजा पण को भी यहीं पर रोक लेता हूँ, जो इच्छा भर मांग ले। बोले विपत संत में साक्षात तत्र तत्र जगत गुरु। बोले प्रभु
अगर तुम मेरे को देना चाहते हो मेरी झोली में दुख दे दो। बोले बुआ जी सारा दुनिया कहते सुख संपत्ति घरे आवे कष्ट मिटे तन की जय जगदी सारी। तुता जी उल्टा गंगा बहारे कह रहे हो हमें विपत्ति दे दो। बोले विपत्ति क्यों चाहती हो। बोले कन्हैया विपत में तेरे भजन होता है संपत्ति में तेरे सब भूल जाते हैं है? इसलिए भगवान इसको चार चीज दिया ना कन्हैया तेरा भजन नहीं करता है। बोले क्या है। बोले जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी रेदमान मद अपमान। बोले ये चार चीज में अगर एक चीज को कुछ दे दिया ना बोले कन्हैया तेरा भजन नहीं करेगा। बोले चार चीज क्या। बोले किसी अच्छे कुल में श्रेष्ठ खानदान में जन्म हो जाए अभिमान ऐश्वर्य ज्यादा जिसको पैसा हो जाए। देखना वो कथा में नहीं बैठते वो कहीं जुआ खाना में कहीं शराब खाना में कहीं नाइट क्लब में देखने को मिलेगा। कथा में सहज में ये लोग नहीं मिलेंगे हैं। लेकिन जन्म ऐश्वर्य श्रुत अगर थोड़ा ज्यादा ज्ञान दे दिया अभिमान हो जाता है। श्री मतलब जिसकी चमड़ा थोड़ा सुंदर हो जाए। कहते कन्हैया ये चार तरह का व्यक्ति भजन नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई भजन कर रहा है ये चार चीज है समझना उसको ऊपर में ठाकुर जी का बहुत बड़ी कृपा है ठाकुर जी का आशीर्वाद है। ये सब चीज रहते हुए भी इसको मन में कोई अभिमान नहीं। इतने में श्री पितामह भीष्म भी सरस सज्जा में लेटे हुए उनके भी अंतिम इच्छा ठाकुर जी का दर्शन करते करते ठाकुर जी का नाम लेते लेते अंतिम श्वास का त्याग करो। बड़े बड़े ऋषियों को लेकर कृष्ण पितामह भीष्म के पास में गए। एक एक करके पांडव लोग प्रणाम कर रहे थे अर्जुन नकुल सहदेव युधिष्ठिर। लेकिन कृष्ण भी पितामह भीष्म को प्रणाम किया। अर्जुन का सारथी आपको प्रणाम कर रहे हैं। बस इतना बोलते ही कृष्ण पितामह भीष्म झट आंख खोलते। बोले क्यों। पितामह भीष्म की यही इच्छा थी कृष्ण दर्शन करते करते अंतिम श्वास को त्याग देना चाहता हूँ। ठाकुर जी सामने खड़े हुए थे पितामह भीष्म। इतने में श्री कृष्ण ने पितामह भीष्म को बोले बोले भीष्म जी आप ये पंच पांडव को कुछ ज्ञान की बात बताओ। क्योंकि युधिष्ठिर दिन भर रोता रहता है कहते मेरी वजह से कितने माताएं विधवा हो गई मेरी वजह से कितने स्त्रियां पतिहीन हो गए जगत में कितने अनर्थ महाभारत युद्ध में तो खून की नदी बही लगता है मेरी वजह से हुआ। मैंने बहुत कोशिश किया समझाने के लिए लेकिन घर की जोगी जोगना आन गांव की सिद्धा मैं कृष्ण को पास में रहता हूँ ना लेकिन भगवान होने पर भी मेरे बात इतना विश्वास नहीं होता है तब तुम समझाओ। तब पितामह भीष्म ने बड़ी सुंदर सुंदर उन्हें दिव्य ज्ञान प्रदान किया और एक बात बताई। बोले देखो समर्थ रहते कभी अन्याय सहन नहीं करनी चाहिए। वहां पर द्रौपदी खड़ी थी इतने में मुंह में तो कपड़ रखकर हंसना शुरू कर दी। पितामह भीष्म बोले बेटी तू हंस क्यों रहे हो। बोले पिताजी कोई बात नहीं। बोले नहीं सत्य साधी जो नारी है ना वो कभी भी हंसती नहीं जरूर तुम्हारी हंसी में भी कारण। बोले पितामह आप बता रहे थे समर्थ रहते अन्याय सहन नहीं करनी चाहिए। बोले हाँ। बोले जिस समय मेरी वस्त्र हरण हो रही थी आप भी तो वहीं पर थे आप भी मेरे वस्त्र हरण को देख रहे थे। अगर आप एक शब्द निकाल देते तो किसका हिम्मत था मेरे वस्त्र में हाथ लगाने का। लेकिन आप भी बैठी बैठी कर देखने लग गए। बोले बेटी विषय रे अर्ण खाइले मलिन है मन नहाए स्मरण। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जैसे खाओगे अर्ण वैसे मने मन। ये दुष्ट दुर्योधन का अन्न खा करके मेरी बुद्धि खराब हो गया था इसलिए मैं वहां पर कोई उत्तर नहीं दे सका। बोले अभी इतने ज्ञान की बात कैसे बता रहे हो। बोले अर्जुन ने बाण मार मार करके उसकी अन्न से जो खून बना हुआ था सब निकल गया इसलिए अभी मेरा मन शुद्ध हो गया। यद्यपि पितामह भीष्म बहुत बड़े संत हैं ये द्वादश महाजन में एक महाजन लेकिन वो हम लोगों को शिक्षा देते हैं भैया दुष्ट उपाय को द्वारा अर्जित अन्न भोजन नहीं करने चाहिए। इतने में पितामह भीष्म बोले प्रभु चाहता हूँ आपको स्मरण करते करते अंतिम विश्वास को त्याग करो। बोले पितामह कृष्ण पितामह भीष्म कहते बोले प्रभु मेरी एक लड़की है अगर लड़की जवानी हो जाए अगर प्रीता जी का कर्तव्य लड़की को पहले शादी कराओ लेकिन मैं सारा जीवन किसी अच्छे वर को ढूंढा
लेकिन कोई वरम मिले नहीं, अभी वो उपयुक्त वरम मिले। बोले पितामह भीष्म, आप तो भीष्म हो, आपने प्रतिज्ञा किया आजीवन में ब्रह्मचर्य पालन करूंगा, फिर आपकी बेटी कहां से आ गई? बोले इति मति रूपकल्पित वितृष्णा, कहते मेरी जो मन है जो बुद्धि यही बेटी है, लेकिन इसके उपयुक्त पति कौन है? ये मन को जब मन मोहन में लगाओ तभी तो ये मन की सदगति होगी। इसलिए कृष्ण गीता में क्या कहते हैं, जब जब बापी शरण भाव त्यजन्ते अन्ते कलेवरम तम तम एव कौन्तेय सदा तद्भावयामितम्। ये मन की उपयुक्त पर कौन है? बोले मनमोहन है। इसलिए माता रुक्मिणी कृष्ण के पास में पत्र लिखती हैं, बोले हे प्रभु जब तक मैं तुम्हारी साथ में शादी नहीं करूंगी, ये सब सियार को मैं कभी शादी करने वाला नहीं हूँ, ये जगत में कोई पति बनने का लायक है नहीं, ये टाटी पेशाब खून पीक शरीर को स्त्रियां पति मानती हैं, लेकिन दो दिन बाद में माला मिट जाती, सिंदूर मिट जाती, सुहागिन उतर जाती है, सखा टूट जाती है। क्यों? ये टाटी पेशाब खून पीक को पति मानते हैं, लेकिन जगतपति जगन्नाथ तुम हो। इसलिए कहते ना, ऐसे बर को क्या बरे जो जन्मे और मर जाए, बर बरी और गोपाल जिसो जो चुड़ल अमर हो जाए। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मैं चाहता हूँ अंतिम समय में आपको ही स्मरण करते करते आपका नाम लेते लेते शरीर त्याग करो। उन्होंने बड़ी सुंदर सुंदर उन्होंने स्तुति की, बोले हे प्रभु मेरा एक ही इच्छा है, विजय सखे रति मस्तु में अनवद्य। मेरी एक इच्छा है, विजय अर्जुन का एक नाम विजय है, उनका जो सखा कृष्ण इनकी चरण में ही मेरा मति हो। बोले उनकी चरण में क्यों मति चाहते? बोले मैंने स्वयं देखा, मैं स्वयं देखा। कोई कोई कहते हैं पितामह भीष्म तो महाजन थे, द्वादश महाजन में बहुत बड़े संत हैं, तब उन्होंने दुर्योधन का पक्ष क्यों लिया? उनको पांडव पक्ष लेना चाहिए था ना, दुर्योधन का पक्ष लिया क्यों? बोले कारण है, अगर पांडवों का पक्ष रहेंगे ना कृष्ण को थोड़ी दर्शन मिलेगा, और मैं दुर्योधन का पक्ष में रहेगा तो कृष्ण को मैं दर्शन कर पाऊंगा। इसलिए ये उन्होंने दुर्योधन का पक्ष लेकर के उन्होंने कृष्ण को दर्शन करते रहे। बोले मैं स्वयं ये चीज को देखा, आप कौन हो? जगतपति जगन्नाथ आप। लेकिन काम क्या कर रहे थे? सारथी का काम कर रहे थे। सारथी का काम कौन करता है? छोटे जाति का व्यक्ति सारथी का काम करते हैं। एक हाथ में लगाम और एक हाथ में कोड़े पकड़ करके हुम हुम जैसे घोड़े को भगाते है ना, हुम हुम करते करते घोड़े भगा रहे थे। घोड़े अगर थक जाए तो उनको घास खिला रहे थे, मालिश ही कर रहे थे। इसलिए कहते ना, सबसे ओचे प्रेम सगाई, सबसे ओचे प्रेम के बस अर्जुन रथ हाको, भूल गए ठाकुराई, भूल गए ठाकुराई, सबसे ओझे प्रेम सगाई, सबसे ओझे प्रेम सगाई। कहाँ सारथी का काम कर रहे थे। इसलिए हे प्रभु मैं चाहता हूँ जैसे आप अर्जुन का प्रेम में बसीभूत हो, ऐसे मेरे प्रेम में भी बसीभूत हो जाओ। किसने प्रश्न किया, आप क्या ये बताना चाहते हैं जो अर्जुन का जो सखा कृष्ण ये जो द्वारकाधीश, क्या इनकी भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ भक्ति? आप क्या ये बात को स्थापन करना चाहते हो उनका सारथी का रूप ही सर्वश्रेष्ठ भक्ति नहीं, इनके ये रूप सर्वश्रेष्ठ नहीं, पर कौन सा रूप सर्वश्रेष्ठ? वो गदबल ललित गति विलास बल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्प तरु माना। बल हे प्रभु सबसे जो कृष्ण का सुंदर रूप है, जब वृंदावन में बंसीवट को नीचे जब ब्रज गोपियों को साथ में प्रभु रास रचाते हैं, उसी समय जो रूप है ना प्रभु का, वो सर्वश्रेष्ठ रूप है। जब सभी भक्तों को देखते हैं, लेकिन जब ये राधा रानी के तरफ में देखते हैं, वो देखना कोई अलग देखना। कृष्ण सबको साथ में नाचते हैं, लेकिन जब गोपियों को साथ में रास करते हैं, और नृत्य सर्वश्रेष्ठ नृत्य है। सबको साथ में बात करते हैं, लेकिन जब राधा जी को साथ में बात करते हैं,
इसलिए जो रास रचैया जो रूप है ये सर्वश्रेष्ठ रूप है। भगवान को दर्शन करते करते पितामह भीष्म अंतिम श्वास को त्याग दी। इसको देख देख करके सारे देवता लोग आश्चर्य हो रहे थे। बोले क्यों आश्चर्य हो रहे थे? बोले जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहीं आवत नाही। लेकिन ठाकुर साक्षात खड़े हुए और उनको दर्शन करते करते अंतिम श्वास त्याग करना, स्वर्ग से सारे देवता लोग पारिजात की पुष्पा को पहुंचार करते हैं। बोले श्री पितामह भीष्म की, जोर से बोलो, बोले श्री पितामह भीष्म की। एक दिन कृष्ण बोले देखो अभी मेरे को द्वारका जाना पड़ेगा, अभी तो वो छोड़ नहीं रहे थे। पिता श्री युधिष्ठिर महाराज बोले अर्जुन जाओ कृष्ण को तुम द्वारका में छोड़ करके आओ, लेकिन 7 महीना हो गया अभी वापस नहीं आ रहे हैं। एक दिन युधिष्ठिर महाराज बड़े अपस्वप्न देख रहे थे, उनकी बाम अंग फड़क रहा था, आंख फड़क रहा था। बोले ये अपस्वप्न क्यों देख रहा हूँ? इतने में देखा अर्जुन को आते हुए सारे चेहरा उतरा हुआ। बोले अर्जुन क्या हो गया, क्या तेरे किसी ने परास्त कर दिया? ना पराई स्त्रियों में अगम्य में तुमने गमन की, मां बिना भोजन दिए तुमने भोजन कर लिया, लगता है तुम तो ये काम कभी कर ही नहीं सकते हो। बोले हो ना हो कृष्ण तो ये दुनिया छोड़कर चले नहीं गए। इतना बोलते ही तो अर्जुन फूट फूट कर रोने लग गए। बोले भैया आप सही बता रहे हो, वो हरी है सबको जो हरण करके चले गए, हमारे नयन के तारे हृदय के प्यारे चले गए। जब इतना बात कुंती मैया सुनी उसी समय में प्राण त्याग की। बोले क्यों? बोले कृष्ण विहीन जीवन व्यर्थ है, ये जीवन तभी धारण करने चाहिए जब ये शरीर से भगवान के दर्शन सेवा हो। पांच पांडव भी श्री परीक्षित महाराज को हस्तिनापुर का राज्य सिंहासन बना करके ये पांच पांडव भी महाप्रयाण में चले गए। अभी श्री परीक्षित महाराज राज्योत कर रहे थे, हठात एक दिन उन्होंने बड़े अपशगुन देखा। एक दिन उन्होंने सैन्य सामंत को लेकर गए, मेरे देश में अमंगल कहाँ हो रहा है? जब उन्होंने प्राची नदी किनारा में गए एक आश्चर्य दृष्टि देखा, एक गैया बड़ी दुखी होकर के रो रही है और एक बैल का 3 प्यार नहीं वो 1 प्यार में खड़ा हुआ, और एक शूद्र राजा 1 प्यार को भी डंडे मार मार करके उसको प्यार को तोड़ने के लिए चाह रहा था, और वो गई बेल बड़े बिलक बिलक करके रो रही था। परीक्षित महाराज मयान से तलवार निकाले उसको बड़े झपट बड़े बिलक, तू कौन हो? वो जानता ही अर्जुन का वंशधर, इनकी शरण में चले जाओ ना कि कभी किसको मारते नहीं, सीधा इनके चरण में लेट गए। बोले बताओ ये गैया कौन? बोले ये पृथ्वी। बोले क्यों दुखी? बोले कृष्ण चले गए, अब ये कलयुग आएगा, बड़े बड़े अधर्मी लोग राज्यों तो करेंगे और कलयुग में बड़े पाप कर्म करेंगे, इसको मैं कैसे सहन कर सकती हूँ, इसलिए रो रही हूँ। बोले ये बैल कौन? बोले धर्म। बोले 3 चरण कहाँ गई? बोले सत्य त्रेता द्वापर 3 युग चला गया, धर्म केवल 1 चरणों पर खड़ा हुआ। बोले तू कौन? बोले कली। बोले तू क्या कर रहे हो? बोले मैं चाहता हूँ मेरी राज्य तो हो, ये कलयुग में कोई धर्म कर्म रहने नहीं देना चाहता हूँ। उन्होंने बोले मेरे सामने हट जा नहीं तो जान से खत्म कर दूं। बोले कहाँ जाऊंगा, संपूर्ण पृथ्वी को पर अभी राज्य तो आपकी है, कहाँ जाऊंगा? बोले तेरी इच्छा जहाँ चले जाना। बोले प्रभु मेरे को भी स्थान दे दो। परीक्षित महाराज सोच रहे हैं इसको स्थान दूं कि नहीं दूं, लेकिन देखा यद्यपि कलर दोषनी दे राजन, कलयुग में दोष ही दोष है, कोई गुण है नहीं, लेकिन कलयुग में एक गुण है, कीर्तना देव कृष्ण से मुक्तम बद ब्रह्म। कलयुग में ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं, थोड़ी सी भगवान का नाम कर लो बस बड़ा पार हो जाए। और विशेष करके ये जो कलयुग है ये कलयुग में कोई भी जन्म लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि युग ही कली है, लड़ाई झगड़ा अशांति मार पीट आपको पता होगा, देश देश में झगड़ा, पड़ोस में झगड़ा, पति पत्नी में झगड़ा, बहू बहू में झगड़ा, भाई भाई में झगड़ा, ऑफिस जाओ झगड़ा, झगड़ा के सिवाय कुछ है ही नहीं दुनिया में, केवल झगड़ा और कुछ है ही नहीं। हरे कृष्ण हरि बोल। बोले सर्वत्र झगड़ा ही झगड़ा, लेकिन उन्होंने देखा, लेकिन ये जो कलयुग है ना हम जिसमें आए हैं
ये कलयुग साधारण कलयुग नहीं, ये धन्य कलयुग है। क्यों? ब्रह्मा का एक दिन में एक बार महाप्रभु आते हैं। हर कलयुग में महाप्रभु नहीं आते। जब 1000 चतुर्युग बीत जाए, मतलब 1000 कली, 1000 द्वापर, 1000 तृतीया, जब 1000 सत्ययुग बीत जाए, तभी एक बार हर तृतीया में प्रभु राम नहीं आते हैं। 1000 तृतीया के बाद में राम आते हैं, अभी जो राम आए थे। हर द्वापर युग में कृष्ण नहीं आते हैं, 1000 द्वापर युग बीतने पर कृष्ण आते हैं। हर कलयुग में चैतन्य महाप्रभु नहीं आते, 1000 कलयुग बीतने पर चैतन्य महाप्रभु आते हैं। और ये कलयुग में स्वर्ग के देवता, बोले स्वर्ग के देवता की बात छोड़ दो, जो सत्य युग को कृत युग कहते हैं, सबके धर्म चार चरण में था, तृतीया युग को राम राज्य कहते हैं, जहाँ पर आध्यात्मिक आदि दैवी आदि भौतिक कोई दुख कष्ट नहीं था, द्वापर युग में स्वयं पूर्ण ब्रह्म आए। लेकिन ये तीन युग का लोग ये कलयुग में जन्म लेना चाहते, बोले क्यों? बोले ये कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु आए। बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की। इसलिए जो व्यक्ति ये कलयुग में श्री महाप्रभु की धारा में आए, सबकी धारा में नहीं, जो श्री चैतन्य महाप्रभु धारा में आकर के महाप्रभु की अनुगत में राधा कृष्ण की भजन करते हैं। इसलिए श्री प्रेमानंद ठाकुर कहते हैं, ए मन गौर बिना नाही आर, हे नावतार अबे की होए छे, हे ना प्रेमा परचार। वो कहते हैं, बोले भैया चैतन्य महाप्रभु जैसे अवतार नहीं, बोले जो प्रेम को ब्रह्मा जी प्रार्थना करते, जो प्रेम का शंकर जी गोपी बन कर न्याय पाने के लिए, जिस प्रेम पाने के लिए उद्धव गुल्म लता बनना चाहते हैं, जो प्रेम को पाने के लिए अभी भी लक्ष्मी तपस्या कर रहे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु कलयुग में मुक्त हस्तों से हैं। उन्होंने पापी पाखंडी कुछ भी विचार नहीं किया, सबको उन्होंने मुक्त हस्त से उन्होंने दान किया। बोले ज्यादा कोई परिश्रम, बोले ज्यादा परिश्रम करने का जरूरत नहीं, बोले बाजा ही आप करता है। इतना कर मतलब हाथ, ताली मतलब ताली, अगर इतना केवल हाथ में ताली बजा करके एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्णा हरे करके जो महाप्रभु की धारा में जो आए ना, जो गले में कंठी तिलक लगाए हो, आप लोग साधारण नहीं, मैं नहीं, एकादश कदम ये बात को कह रहे हैं, ये जितने देवता लोग सत्य तृतीया द्वापर युग का लोग कलयुग में ये सब इंसान बनकर के आए, ये सब गौड़ीय वैष्णव धारा में जो दीक्षित होकर भजन करते हैं, कति बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग ये सबके सब एकादश स्कंद में बताए। क्योंकि दूसरे दूसरे में जो भक्ति है, क्या भक्ति उनको मिली? वैकुंठ भक्ति, अयोध्या भक्ति है उनको, यही सब भक्ति मिली, लेकिन ब्रज भक्ति नहीं मिली, महाप्रभु का प्रेम उनको नहीं मिला। लेकिन महाप्रभु की धारा में जो आए हैं उनको ये प्रेम की प्राप्ति होगी। इसलिए उन्होंने कली को बोले, भैया तू राजा, तेरे को जाने का जरूरत नहीं, तू कलयुग में राजा। इसलिए उन्होंने कलयुग का स्थान दे दिया। बोले कहाँ स्थान दिए? बोले चार ही जगह पर स्थान दे दिया, मतलब कलयुग में केवल चार ही नियमों का पालन करके थोड़ा हरिनाम कर लो। पहला नंबर, जुआ नहीं खेलनी चाहिए, धर्म का पहला चरण सत्य खत्म हो जाती है। दूसरा है, किसी तरह का नस्ली वस्तु मत लिया करो, पान बीड़ी सिगरेट अफीम गांजा भांग शराब ये सब चीज को मत लो। तीसरी चीज है स्त्रियों, बोले स्त्रियों को ऊपर में कली का निवास। बोले कौन सा स्त्रियों को ऊपर में कली का निवास है? जो संसार करो शादी करके अपना पति पत्नी बन करके गृहस्थ धर्म को निभाओ, ऐसे नहीं बगैर शादी के जो स्त्री दूसरों पुरुष से, जो पुरुष दूसरे स्त्रियों से मिलते हैं, कहते यहाँ अपवित्रता नष्ट हो जाती है, वहां कली की स्थान
गृहस्थ धर्म जाचन करो, शादी करके ही वेद मंत्र को द्वारा साखी करके अग्नि को और पूरा परिवार को साखी साखी करके पति पत्नी मिल करके अपना घर गृहस्थी करनी चाहिए। अवैध रूप में बॉय फ्रेंड गर्ल फ्रेंड बनाकर घूमते हो, ये शास्त्र एकदम ये चीज को मना करती है। पंचम स्कंध में तो इतनी गलती बात बताई, बोले मरने के बाद लोहे को चला जो गर्म लोहे में जो जबरदस्ती उनका आलिंगन कराते हैं, जो अवैध रूप में स्त्री पुरुष पुरुष स्त्रियों के साथ में मिलती, बड़ी कठिन दंड वहां पर बताए, यहाँ से पवित्रता नष्ट हो जाती है। चौथी जो चीज है कहते जीव हिंसा, जीव हिंसा में मांस मछली अंडा प्याज और लहसुन इसको ग्रहण नहीं करनी चाहिए, इसको लेने से दया हृदय से दया खत्म हो जाती है। जब उन्होंने कली को ये चार जगह पर स्थान दिया लेकिन कली संतुष्ट नहीं हुआ, बोले मैं कहाँ कहाँ घूमते रहूं, ये पाप को कौन करता है, मेरे को ऐसे एक स्थान दे दो जहाँ पर सब कुछ मिल जाए। तो उन्होंने स्थान दे दिया सुवर्ण, सुवर्ण मतलब पैसा में, कहते आप देखना ज्यादा करके ज्यादा पैसा जहाँ पर है ना, देखना सारे गंदे काम यहीं पर होते, जुआ वहीं पर, रांडीबाजी वहीं पर ही, मांस शराब वहीं पर, मदिरा कहाँ पर होती है, जहाँ पर ज्यादा पैसा। लेकिन यहाँ आके प्रश्न करते हैं भैया पैसा तो लक्ष्मी है, फिर लक्ष्मी में ये सब चीजें कहाँ हो सकती हैं? कहते लक्ष्मी की दो वाहन है, कितना वाहन है, दो, एक है उल्लू और एक है गरुड़ है। देखना ये उल्लू के ऊपर में लक्ष्मी अकेली बैठती है, अगर लक्ष्मी को कोई घर में बुलाओ, क्योंकि लक्ष्मी के बगैर तो कुछ नहीं होगी, लेकिन लक्ष्मी कौन है, नारायण की, अगर लक्ष्मी को घर में बुलाओ अपना भोग के लिए बुलाओ ना, फिर तो वो उल्लू को पर बैठ करके आती है, फिर हम ये उल्लू बनाती है। लेकिन लक्ष्मी को बुलाओ लक्ष्मी को कुछ नहीं होगा, लक्ष्मी होगा तो तभी ठाकुर को सेवा होगी, लक्ष्मी को खूब बुलाओ खूब पैसा कमाओ, क्यों, ठाकुर जी की सेवा के लिए, फिर तो वो उल्लू को पर बैठ करके नहीं, फिर वो गरुड़ को पर बैठ करके आएगी। बोले गरुड़ कहाँ रहते हैं, बोले गरुड़ वैकुंठ में गोलोक वृंदावन में रहते हैं, फिर हमारे घर को लक्ष्मी गोलोक वृंदावन बना देगी। इसलिए उन्होंने कली को ये सब स्थान पर स्थान दे दिया। इसलिए फिर आगे क्या कथा हुई, फिर आगे की कथा हम लोग कल श्रवण करेंगे। और जो कल है राधा कृष्ण का जन्म उत्सव है, कल बड़े धूमधाम से यहाँ पर नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, बोले श्री नंद के लाला की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय। Oh, yeah.
Oh,